Hey guys, very good morning. So we are on the charts. Let's revise section number 173 onwards. So guys, 173 talks about kya bolta hai 173? Bolo bhai, meeting, right? 174 talks about quorum, and 175 is what, resolution by circulation. Can you please tell me what is that 173 meeting of the board? Kam se kam kitne meeting? Char meeting, and the gap between two meetings should not be more than 120 days. But this, the four meeting ka section is not applicable to OPC. OPC mein kehte hai ki saal mein do meeting hona chahiye, 6 mahine mein ek aur 6 mahine mein, kaun se 6 mahine, calendar months, aur unke beech ka gap 90 days se zyada hona chahiye, aisa kuch likha nahi hai small mein, par OPC mein, dormant mein aur small company mein likha hai ki 6 mahine mein ek aur 6 mahine mein ek hona chahiye, and the gap between two meetings should be more than 90 days, right everybody? Aap batayenge, duniya mein do type ki meeting hoti, ek live meeting, ek hoti hai वर्चुअल मीटिंग. और दुनिया में दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक मीटिंग में होते हैं, एक रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में होते हैं. आपसे सवाल है, बताएंगे मीटिंग के अंदर दो मीटिंग है, एक तो लाइव मीटिंग है, एक वर्चुअल मीटिंग, ऐसे कौन से चार काम है जो वर्चुअल मीटिंग में नहीं हो सकते. नंबर वन, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मर्जर अमलगमेशन या ऑडिट कमेटी के साथ की जो मीटिंग होती है, वर्चुअल में नहीं होना चाहिए, इसका लाइव होना जरूरी है. कितने दिन की नोटिस देना जरूरी है, 7 डेज का नोटिस होना चाहिए, शॉर्ट नोटिस भी दे सकते हैं अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाजिर है तो. अगर वो भी नहीं है तो सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ आईडी एटलीस्ट तुमने लेना सही है, ऐसा बोलते हैं. नोटिस किसको देना चाहिए, सारे डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल द डायरेक्टर्स, चाहे वो इंटरेस्टेड हो चाहे नॉन इंटरेस्टेड हो, चाहे वो इंडिया में हो बाहर हो, हर किसी को नोटिस मिलना जरूरी. बताएंगे व्हाट विल हैपन इफ द नोटिस इज नॉट सर्व्ड, द ट्रांजैक्शन व्हिच इज हेल्ड इन द मीटिंग इज विल बी व्हाट कंसीडर्ड एज इनवैलिड. आपसे एक सवाल है, बताएंगे दोस्तों क्या हम लोग वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ. क्या वर्चुअल मीटिंग के जो लोग, इनको कोरम में काउंट करना चाहिए क्या? क्या वो वर्चुअल मीटिंग में जो लोग हैं उनको नोटिस में पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसा भी कुछ चांस है? क्या उन्होंने भी बोलना चाहिए कि हम, क्या बोलना चाहिए उन्होंने, हम आ रहे हैं? पर उन्होंने साल में एक बार भी अगर बोल दिया हम आ रहे हैं तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बराबर है? आपको नहीं याद रहा, आप बुक में देख सकते हो, मुझे सब याद है. आपको जब भी ऐसा लगता है मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, सर ये थोड़ा सा ट्रैकिंग रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इसे चार्ट बुक खोल के रखना आपके सामने. अच्छा, अगला सवाल इधर आपके सामने, आप बताएंगे कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 और 2, विच इज हायर? बट सेक्शन 8 कंपनीज में 1/4 और 8, दैट इज व्हाट, 25% एंड 8, विच एवर इज लोअर? आप बताएंगे जब भी फ्रैक्शन आएगा तो उसको क्या करना चाहिए, अपर राउंड ऑफ लेके उनको 1 करना चाहिए? बताओ कि डू टू वॉन्ट ऑफ कोरम अगर मीटिंग नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, अगले हफ्ता इसी समय इसी दिन उसको एडजन करना चाहिए? एक साल में 4 मीटिंग होना चाहिए, आखिरी मीटिंग 31 दिसंबर को थी और वो न हो पाई ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, तो क्या होगा? क्या उसको इसी साल में हुआ है ऐसा माना जाएगा? जी हाँ, उसको ऐसे ही मानेंगे जैसे कि वो इसी साल हुआ है. बताएंगे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2/3 से ज्यादा अगर लोग इंटरेस्टेड माने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 12 डायरेक्टर और 9 डायरेक्टर्स में से इंटरेस्टेड है तो कितना कोरम होना चाहिए, 3, मतलब जितने रिमेनिंग डायरेक्टर और 2, विच एवर इज हायर. अगर 12 में से 10 लोग इंटरेस्टेड है तो 2, 12 में से 11 लोग इंटरेस्टेड है तो रिमेनिंग डायरेक्टर 1 है और 2, विच एवर इज हायर इज 2. पर ऐसे समय पे कंपनी में तो सिर्फ एक ही बंदा जो बैठ सकता है तो क्या करना होगा, एक 1 एडिशनल डायरेक्टर यू आर सपोज टू अपॉइंट और वो भी नहीं हो सकता है, तो दिस मैटर शुड बी हैंडेड ओवर टू किसको? अच्छा, ये सब हो गया, राइट? ये भी हमने अमेंडमेंट कर लिया था, ये क्या है, ये भी हो गया, राइट? अच्छा, इसमें प्राइवेट कंपनी वाला भी एक अमेंडमेंट है. प्राइवेट कंपनी में अगर वो है जो स्टार्टअप कंपनी है तो उनको बोलते हैं कि तुमने भी इस साल में 2 अगर मीटिंग ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी मोर देन होता है वो, एक देखो वो नॉट लेस देन 120 है, ये मोर देन 90 है. दोनों सेक्शन का टोनिंग अलग है, मतलब वो गड़बड़ मत करना. उधर नॉट लेस देन मतलब 2 मीटिंग का गैप शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, यहाँ पे लिखता है द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी मोर देन, उधर लिखता है शुड नॉट बी, इधर लिखता है शुड बी. देखो बाकी आपकी चॉइस है, एक बार बोल के दिखा दे. कम से कम 4 मीटिंग होना चाहिए, द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी और शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, और यहाँ पे बोलते हैं कि साल में 2 मीटिंग होना चाहिए, बट द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी मोर देन 90 डेज. अगला सवाल ये आपके सामने, क्या लिख रहा है ये, जो बंदा इंटरेस्टेड होता है बोलो साहब क्या करेगा, वो कोरम में बैठेगा या नहीं बैठेगा, मीटिंग में बैठेगा, नहीं बैठना चाहिए. अगला सवाल ये आपके सामने, 175 के बारे में बताओ. 175 talks about what, resolution by circulation, मतलब आपको मीटिंग में फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है, ना आपको वर्चुअल में आने की जरूरत है, आपको सिर्फ ड्राफ्ट के साथ में अलोंग विद ऑल द नेसेसरी पेपर्स आपको सबको भेजना है और सब लोग अपना रिप्लाई करेंगे, मेजोरिटी अप्रूवल हो जाएंगी तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा. इसका जो मिनट्स है
इसका जो क्या मिनट्स है अगले मीटिंग के, नहीं इसका जो रिजोल्यूशन है वो अगले मिनट के, इसका जो मिनट्स है वो अगले मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड होना चाहिए, राइट? अच्छा, कितने लोग अगर कह दे तो वो नहीं होगा? 1/3 अगर लोग कह दे कि ये मीटिंग में ही होना चाहिए, मैटर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का नहीं है, तो देन ये मैटर रिजोल्यूशन और सर्कुलेशन से 12 में से 4 लोग बोलते हैं कि मीटिंग ही होना चाहिए, तो फिर मीटिंग होना चाहिए। बट कुछ काम ऐसे भी है जिंदगी में जो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से होते नहीं, जैसे कि सेक्शन नंबर 179 चल के लिख के दे रहा है कि इट हैज टू बी इन मीटिंग। पावर ऑफ द बोर्ड, सीबीएसई का फालतू बच्चा, ये सारे के सारे काम कहां होंगे? ये 175 के रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से हो नहीं सकते। कुछ जगह पे मीटिंग में बैठ के डिबेट और डिस्कशन होना जरूरी है। तो कुछ काम कंपनी जैक कहता है कि आप केबलो कैसे नहीं होना चाहिए, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। 176 सेक्शन मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक, पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है। 177 178 आपके सामने से चार्ट होगा। तीन कमिटीज का नाम यहां पे लिखा है, एक कमेटी का नाम है ऑडिट कमेटी, दूसरे का नाम है एनआरसी, विजिल कमेटी नहीं होता, एनआरसी एंड एसआरसी, सॉरी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। 177 सबसेक्शन 1-10 टॉक्स अबाउट ऑडिट कमेटी, 1-8, 9-10 टॉक्स अबाउट विजिल, और 178 सबसेक्शन 1-4 बात करता है एनआरसी एंड 5-6 बात करता है एसआरसी। बताओ इसमें से कौन सी ऐसी कमेटी जो कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी होगी, ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा, ऑडिटर्स से कोऑर्डिनेट करेगा। और ऑडिट कमेटी और भी एक सबसे बड़ा काम करता है कि जितना भी ऑडिटर होता है उनका स्कोप डिसाइड करता है, क्या काम करना है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडिट कमेटी का। चाहे ऑडिट कमेटी हो चाहे एनआरसी हो, बताएंगे दोनों के अंदर क्या समानता है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी सेम ही है, बताएंगे इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ फॉर द अनलिस्टेड कंपनी। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वहां पे ऑडिट कमेटी भी चाहिए और साथ साथ में आपका एनआरसी भी चाहिए। बताएंगे 10 करोड़ क्या है, पेड अप कैपिटल, 50 करोड़ बोरोइंग और 100 करोड़। यहाँ पे 50 करोड़ के सामने आपको एक सीट लिखना है, बाकी तो इक्वल टू और मोर देन चलता है। आप बताएंगे उसमें अंदर कितने कम से कम डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए किसमें, ऑडिट कमेटी में, पर उसके मेजॉरिटी लोग जो होना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और इसके पास हर कोई बंदा जो अपॉइंटेड है, ही शुड हैव एन एक्सटेंसिव नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनआरसी, एनआरसी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, पर मेजॉरिटी और इक्वल टू लोग जो है, देखो दोनों में फर्क है, उधर ऑडिट कमेटी बोलता है ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 4 में से 3 लोग उनको कौन चाहिए, आईडी चाहिए, और जो एनआरसी हो क्या होता है 4 में से 2 भी अगर आईडी देंगे तो चलेंगे। देखो पे इक्वल टू ग्रेटर देन लिखा हुआ है, बराबर है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ एनआरसी, नाम में लिखा नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन। नॉमिनेशन मतलब क्या, नॉमिनेट करना कौन से डायरेक्टर अभी समाज में अच्छे हैं, आईडी अच्छे हैं, और कौन से डायरेक्टर 150 के हिसाब से अच्छे, उनका नाम बताना, उनका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, उनका पैकेज कैसे होना चाहिए, फिक्स कितना होना चाहिए, इंसेंटिव कितना होना चाहिए, कैसे अट्रैक्टिव स्कीम ला सकते हैं, कौन से डायरेक्टर को निकाल देना चाहिए। आप बताओ एनआरसी खुद अपॉइंट करता है या एनआरसी सिर्फ नॉमिनेट कर सकता है और रेमुनरेशन भी उससे बता सकता है, बाकी सारा अप्रूवल एज पर सेक्शन नंबर 160 ही होता है। अरे बोल रहे नहीं दोस्तों, बताएंगे एसआरसी कितने कम से कम लोग होना चाहिए, 1000 लोग अगर कंपनी के अंदर वो है सिक्योरिटी होल्डर्स। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सिक्योरिटी होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, शेयर होल्डर, बोल दो यार, बॉन्ड, डिपॉजिट, डिबेंचर होल्डर, इन सब की संख्या अगर 1000 से ज्यादा होगी इस कंपनी में तो इस कंपनी में एसआरसी होना जरूरी। व्हाट इज दैट एसआरसी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। इन लोग को अगर रोना है, इन लोग कुछ करना है, मतलब वो बड़ा डिविडेंड नहीं मिल रहा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, मुझे रीपेमेंट नहीं हो रहा, इनको रोना है तो कौन चाहिए, एसआरसी या एनआरसी? नाम में लिखा स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। हमने इसके बारे में सुना था कि यहाँ पे वो बंदा जो है ना चेयरपर्सन हैज टू बी व्हाट, और वो अमरीशपुरी का नाम लिया था हमने, और वो चला गया तो उसके बदले में कोई ओमपुरी जैसा बंदा को अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग। अगला सवाल 178 की बात करेंगे। 178 जो है जिसका नाम है रेमुनरेशन, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, इसका जो बंदा होता है ना चेयरपर्सन, वो कंपनी का चेयरपर्सन नहीं चाहिए, मतलब मुकेश अंबानी जो चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस कंपनी, वो खुद ही अपनी खुद की सैलरी डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं ही हैज टू बी जो पर्सन जो रिलायंस कंपनी का चेयरपर्सन है। अरे बोलो ना यार, वो इसका चेयरपर्सन नहीं चाहिए ना, तो खुद की सैलरी खुद ही डिसाइड करे। अब बताएंगे विजिल, राखी सावंत जैसे लोग झूठे, जो वाहियात लोग जो रो रहे जबरदस्ती, उन लोग को ये बजाएंगे, और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग जो ईमानदारी जेन्यून कंसर्न के लिए रो रहे हैं तो उनको पनाह मिलेगी, उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। याद है सेक्शन के बारे में कुछ, विजिल, विजिल किसके लिए, विजिल इज मेन फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज हु आर डिसग्रंटल, हु आर अनहैप्पी, जो लोग नाखुश होते हैं उनके लिए, उनको अगर रोना है तो कहां रोएंगे, विजिल के पास रोएंगे, विजिल, राइट? विजिल आखिर कौन से कंपनी का, विजिल इज अप्लाइड फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज। आप सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे नहीं, क्या मैं बोले जा रहा हूं विजिल इज अप्लाइड फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज, और जो कंपनी जिसने 1 रुपए का भी डिपॉजिट लिया और जिसका बोरिंग
50 करोड़ से ज्यादा का हो, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती तो वहां पे विजिल का होना जरूरी है। विजिल को अक्सर वही लोग मैनेज करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ऑडिट कमेटी के लोग होते हैं, पर इन केस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है पर वो है जरूर विजिल, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करेंगे। हो गया, दिस इज ऑल्सो ओवर गाइस, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। 179 पावर ऑफ द बोर्ड एंड 180 रेस्ट्रिक्शन, दोनों में क्या मतलब है, एक में उड़ने का मौका दिया एक में काट डाला, राइट बच्चों। 179 मतलब पावर ऑफ द बोर्ड, ये सारे काम किसको, ये सबसे पहली बात तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारे पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलके है, मतलब एक डायरेक्टर इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दूसरा मतलब ये भी होता है ये काम करने के लिए शेयर होल्डर्स के साथ, मतलब शेयर होल्डर की तो बात की बात है, पर इन सब काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा ये काम होंगे ही नहीं। और तीसरी बात, ये काम रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होंगे, इट हैज टू हैपन इन व्हाट, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही ये सारे काम होना आवश्यक है, जरूरी है। आप बताएंगे सीबीएसई का फालतू बच्चा लड़कियों पे बिल उड़ाता है, मम्मी डांटती है, सी फॉर व्हाट, कम ऑन कॉल बैक, कॉल करना, कॉल बी से बाय बैक करना, सीबीएसई मतलब सिक्योरिटी मतलब आईपीओ लाना, सीबीएसई का फालतू मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, बिल बोरोइंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन करना, डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ए फॉर अमलगमेशन, टी फॉर टर्नओवर, उसके बाद ऑडिटर भी किया, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, पी से पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, के फॉर केएमपी, इनमें से कोई भी काम करना हो तो किसकी जरूरत है? आप बताएंगे ये सारे काम डेलीगेट हो सकते क्या? इसमें से बिल 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 बी से बोरोइंग, आई से इन्वेस्टमेंट, एल से लोन, ये तीन ही काम डेलीगेट हो सकते। चार इंसानों को नंबर वन एमडी या कोई भी कमेटी का डायरेक्टर हो, या फिर तीसरी बात देखो, एक तो एमडी कमेटी का डायरेक्टर या फिर कोई कंपनी का मैनेजर, इसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर बोलते हैं, और चौथी बात कोई ब्रांच जो होगी उस ब्रांच का प्रिंसिपल ऑफिसर, इन चारों को ही ये काम डेलीगेट हो सकता है। पर डेलीगेट होने वाला काम सिर्फ तीन ही है, बी फॉर बोरोइंग, आई सी इन्वेस्टमेंट, एल फॉर लोन, बिकॉज ये काम बार बार होते हैं इसलिए डेलीगेट किए जाते हैं। व्हाट इज 180 में चार ऐसे पॉइंट है जहां पे बी आर एंड बी एम के साथ में आपको एसआर का होना जरूरी है। एक, कल हमने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया था, जिस अंडरटेकिंग के अंदर आईटीसी का जो पूरे नेटवर्क का 20% से ज्यादा हो, या आईटीसी के पूरे टोटल इनकम का उस धंधे से, उस अंडरटेकिंग से 20% से ज्यादा इनकम हो रही हो, अगर इसको अगर बेचना है तो बी आर एंड बी एम तो चाहिए, साथ साथ में एसआर का भी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर टू, अगर किसी डायरेक्टर के पैसे माफ करना है, रेमिट करना है, उसको एक्सटेंड करना है, वो अधिकार भी बी आर एम बी एम में नहीं, बी आर एम बी एम प्लस एस आर में। तीसरी बात, अगर मान लो एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग अगर इट इज ग्रेटर देन व्हाट, कम ऑन, एफ आर एस पी एन व्हाट, पेडअप शेयर कैपिटल, इससे अगर ज्यादा हो रहा होगा तो उस केस में बी आर एम बी एम से नहीं, आपको एस आर पास करना, और एस आर में एक अपर लिमिट डिसाइड कर देंगे, बार बार एस आर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथी बात, अगर मान लीजिए कोई अमल का मिशन मर्जर हो रहा है, उसमें बहुत सारा पैसा कंपनी का उसमें आया हुआ है, उस पैसे को खर्च करना है, इवन दैट केस व्हाट बी आर एन बी एम और ऐसा लगेगा। चार बातें फिर से एक बार बोलेंगे, एक तो अंडरटेकिंग 20% वाली, दूसरी बात डायरेक्टर का लोन या कुछ माफ कर देना, तीसरी बात अगर अमल का मिशन मर्जर में कुछ पैसा आया होगा, पीसी आया होगा, उसको खर्च करने के लिए भी बी आर एन बी एम और ऐसा लगता है, और चौथी बात अगर प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग इफ इट इज ग्रेटर दैन एफ आर एस पी एन व्हाट पेड ऑफ शेयर कैपिटल, इन दैट केस यू नीड बी आर एन बी एम प्लस व्हाट। ओके, अब सवाल उठ रहा है ये जितना भी एसआर जब लिखा है तो एसआर का प्रायर अप्रूवल है कि नहीं है? ऑब्वियसली, और मान लीजिए बैंक ने पैसा लोन दे दिया होगा और उन्होंने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया होगा तो बैंक का टाइटल अभी भी खराब नहीं है। अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 181, 82, 83, गाइस कम ऑन, 81 टॉक्स अबाउट कम ऑन क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी, 182 इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल, 183 कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। आप बताएंगे 181 की बात करिए, क्या वो मैलेफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, क्या हम लोग चैरिटेबल फंड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप जवाब देंगे कितना, मैक्सिमम अप टू 5% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे, और उसके ऊपर जाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ में आपको ऐसा नहीं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अब 182 की बात करिए, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बीजेपी को या कांग्रेस को आप कितना भी चाहे उतना डोनेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर ये करने के लिए क्या करना जरूरी है? बोलो भाई, ये करने के लिए क्या करना जरूरी है? ये करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो जिस बंदे को, जिस पार्टी को दे रहे वो पार्टी 29A सेक्शन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, जिस कंपनी ने 3 साल पूरे नहीं किए और जो गवर्नमेंट कंपनी, वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे डायरेक्टली हो चाहे इंडायरेक्टली, उसको पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जब भी डोनेशन करेंगे वो अकाउंट पे ही, मतलब सामने वाले को एनईएफटी कर सकते, किसी अरे गरे नेता के नाम पे ट्रांसफर करने को हम लोग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नाम नहीं देते। अगला सवाल, 183 के पॉइंट ऑफ से बताएंगे, नेशनल डिफेंस फंड में कितना भी आप भारत के सोल्जर्स के लिए, आर्मीज के लिए कितना भी चाहे डोनेशन कर सकते हैं, या फिर उस समय और कुछ फंड का नाम आएगा पुलवामा फंड, उसमें भी आप डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई भी नहीं। ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं, ये काम कंपनी के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी पास हो सकता है, पर जहाँ तक कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये काम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर सकते हैं, और दोनों में एक ही समानता है। बताएंगे व्हाट इज द सिमिलरिटी, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज यू वॉन्ट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन
चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज अप टू 5% BRBM में होता है, और उसके ऊपर जाना है तो आपको करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. राइट गाइस, ओके, सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 184. आपने बॉबी देओल जैसा हीरो यहाँ पे इस क्लास में देखा था, वो इसी सेक्शन के द्वारा आया था. बताइए दोस्तों 184 की बात करके, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ. 184 सेक्शन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 184-1 and 184-2. 184-1 क्या बोलता है, अभी जिन जिन कंपनीज में मेरा कंसर्न है, इंटरेस्ट है, वो ये सारी कंपनियां हैं, चाहे तुम्हारा उसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो ना हो रहा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. 184-2 कहता है कि आज जो मीटिंग में जो जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, उन सब में मेरा कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें मेरा करेक्शन मुझे फील होता है, तो उन जगह पे मैं बैठूंगा नहीं, ये मुझे डिस्कस करना जरूरी है. 184-2 टॉक्स अबाउट, हर कोई मीटिंग में आपको ये बताना जरूरी है. आप जवाब देंगे 184-2 में, अगर वो बंदे ने अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो उसके साथ में वो होगा जो 167 में वैकेशन के लिए होता है. पर अगर वो बंदा नहीं बोलता है तो क्या उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब वो बैठ गया मीटिंग में, बोला, एक्चुअली उसने बैठना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, पर उसने बोल दिया, वो बैठ भी गया, तो जो मीटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं है, वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अदर बोर्ड ऑफ, एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग. इज इट ओके? इट इज 184-2. बट 184-2 के अंदर कब कौन से समय पे हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कब कब कहूंगा कि मैंने 184-2 का डिस्क्लोज करना चाहिए. एक इधर होता है बॉडी कॉर्पोरेट, इधर होता है पार्टनरशिप फॉर्म एंड HUF. बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में मैं एक डायरेक्टर हूँ, दूसरे डायरेक्टर, हमारा परिवार, उसका परिवार, सबका मिला कि अगर विप्रो जैसे कंपनी में 2% से ज्यादा का स्टेक होगा तो उस केस में मैं इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ भाई हाँ हमारा इसमें क्या है. और अगर मान लो 2% का वोटिंग शेयर नहीं है, अगर मैं उन कंपनीज में क्या हूँ, एक तो मैं CEO हूँ या मैं कोई मैनेजर हूँ, बड़ा आदमी हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ, बड़ा आदमी, प्रमोटर, मैनेजर, ये सी बड़ा आदमी उधर का, तो मुझे वैसे भी अगर चाहे स्टेक मैंने होल्ड किया हो ना किया हो, मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट उस कंपनी में. रही बात पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें मैं पार्टनर हूँ, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट है. और कोई HUF है जिसमें मैं मेंबर हूँ, उसमें मुझे डिस्क्लोज करना जरूरी कि मैं वो हूँ, क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ. 184-1 जो है वो जनरल होता है, मतलब कुछ आपका कंसर्न भी, थोड़ा बहुत कंसर्न भी है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है, तो आपको नहीं हो. पर 184-2 बहुत स्पेसिफिक है. हो गया, अभी तक जितना पढ़ा था हमने आज रिवाइज किया. वी हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 173 टिल सेक्शन नंबर 184. हमने कल 186 भी देखा था, याद होगा. ओके, लेट्स चेक इट आउट गाइस. लास्ट में ही देखा था, इस पूरे चार्ट बुक का आखिरी पेज 3.8, इस चैप्टर का आखिरी पेज. आपको मालूम है आपके लिए क्या चीज मैंने अच्छी करके दी है? अगर आप 3.3 को देखोगे, इस 186 के बाद का एक पेज छोड़ के आगे देखो, 186 के एक पेज छोड़ के आगे देखो, ये क्या होता है, पूरे कंपनी एक्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये करोड़, वो करोड़, एप्लीकेबिलिटी, ये सारी एप्लीकेबिलिटी एक साथ लिख के दे दिया ताकि आपको सब याद करने का टेंशन ही नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है. और इसमें साथ साथ आपको मैंने वो भी कंडीशन दी है जो आपके ऑडिट सब्जेक्ट में भी लगती है. आपको ऑडिट में सेक्शन है, मानोगे कौन से, 139 से लेके 148, वो भी दिए हुए. तो इसमें क्या है, इसमें सारी एप्लीकेबिलिटी एक साथ लिखने की वजह से होता है. जब आपको कंपैरिजन करना है ना, यू कैन कंपेयर देम, यू कैन रिमेन, यू नो, अल्टीमेटली हमारी एग्जामिनेशन मेमोरी की है, समझना एक अलग विषय है और उसको याद करना एक दूसरा इशू है. पहले समझ, कई लोग हैं जो समझ कर भी पास नहीं होते, कुछ लोग होते हैं हट जाते हैं, लॉजिकल पढ़ेंगे, हम लॉजिकल ही पढ़ रहे हैं, पर याद करना भी जरूरी है. कौन सी चीज़ें हम लॉजिक नहीं पढ़ रहे, देयर इज अ लॉजिक, देयर इज एन इंटरप्रिटेशन. जिद मत करिए, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में लॉजिक के साथ में मेमोराइजिंग करना जरूरी है. अगर आप सीसा की एग्जाम देते हैं, अगर आप MBA की एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको मेमोराइजिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन एग्जामिनेशन में चार में से एक गोले को टिक करना है, वहाँ पे प्योर लॉजिक चलता है. यहाँ पे लॉजिक के साथ साथ में हमारा मेमोरी टेस्ट होता है. तो इसीलिए कभी सपोज आप लॉ पढ़ रहे हो, तो आपको मेमोरी के साथ साथ में आपको लॉजिक और लॉजिक के साथ में मेमोरी, दोनों का जब तक मिक्सचर नहीं होगा, इस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन लाना बहुत मुश्किल है. कोई लोग रट जाते हैं ना, उनको लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, थ्योरी मुझे मजा नहीं आती. वो थ्योरी को क्यों हेट करता है मालूम, उसको लगता है वो प्रैक्टिकल जैसे थ्योरी को पढ़ता है, उसको लगता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बस, मैं याद नहीं करूंगा. अरे वो FM है, वो कॉस्टिंग है, वो अकाउंट्स, वो ऐसे ही होंगे ना, उसमें थोड़ी मेमोराइजिंग कर रहा हूँ. उसको क्या लगता है जो मैं मेमोराइजिंग नहीं करूँ वही पढ़ाई, ऐसा नहीं हो सकता. हमारी एग्जामिनेशन का पैटर्न गलत है. जिस समय ICM में रिफॉर्म हो जाएंगे, सारी की सारी MCQ हो जाएंगी, उस दिन याद करने का सारा झंझट खत्म हो जाएगा. फिर भी इस बार 30 मार्क के लिए आपके सामने MCQ है, याद करने की झंझट थोड़ी रिलेटिवली कम हुई, पर अभी भी 70 मार्क के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होंगे, जहाँ पे आपको अभी भी मेमोराइजिंग करना जरूरी है.
यानी कि इन सारी चीज़ों का भी ये नंबर सबको याद हो, 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ याद करना जरूरी है। और जितना बार बार सुनेंगे बार बार बोलेंगे उतना ही याद होगा। इसलिए मैं हर रोज़ आता हूँ रिविजन लेता हूँ, पर कई लोग होते हैं रिविजन में भी वो इधर उधर देखते, मत करो ऐसे। और रिविजन इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, बिकॉज मेरी क्लास के बाद में और एग्जामिनेशन के बीच में 4 से 5 महीने का गैप और होगा। यू शुड बी एबल टू रिटेन एवरीथिंग, और रिमेंबर तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, इस बुक को मेरे साथ अभी पढ़ रहे हो, तो मेरी क्लास के बाद में आपको पता होना चाहिए इस बुक से मुझे बार बार पढ़ना है। पर अगर आपने अभी क्लास में अच्छे से पढ़ा ना, तो ये बुक आपको अपने जैसे लगेगी, अपने और एक बुक को अपना क्या बोलते हैं फैमिलियर होने को टाइम लगता है। तो क्लास में अगर आप फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आपको घर पे ऐसा वो अजनबी बुक नहीं लगेगा। अगर कोई बुक अगर पहली बार पढ़ते ना, उसको वो समझने को टाइम लगता कि उसको कैसे डील करना है। ये बुक में आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, तो बुक अपने जैसे लगती है। इसलिए बार 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 करेंगे। और अभी आप YouTube के लेक्चर्स डाउनलोड करें, बार बार सुने। ये पूरा चैप्टर मैंने 2.25 घंटे में तीनों चैप्टर को रिवाइज किया। सो काइंडली डाउनलोड, उसको सुनो बार बार। बार बार सुनेंगे लॉ में एग्जम्पशन लाएंगे। इस लॉ सब्जेक्ट का सिर्फ मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन के साथ में, समझने के साथ में। देखो ये किताबों से मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आईसीए के मॉडल से पढ़ाता ही नहीं आपको। ये इंटरप्रिटेशन का पप्पा इधर है, वो बात नहीं है। पर सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा, मेमोरी जरूरी है। बाकी आपका सवाल है। आप इसको प्रैक्टिकल जैसा डील मत करो, जिद्दी मत बनो। कुछ लोगों को लगता है मेमोरी मेमोराइज कर रहा हूँ ना, मतलब मैं रट्टा मार रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न वैसा है। रट्टा किसको बोल रहा है, समझ रहा नहीं, जरूर याद कर रहा है। हमने हर कोई चीज़ पढ़ी है, एक एक चीज़ को समझा है, वर्ड भी पढ़ा है, वह भी पढ़ा है। यू नो द लॉजिक बिहाइंड एवरी सेक्शन विच यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपका, ध्यान रखना। उसके बाद में और एक पेज है जिसमें फॉर्म नंबर लिखे, DR2 क्या होता है, DR8 क्या होता है, सारी चीज़ें। अब बाद MBP 1, MBP 2, तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार लगती है, तो उसका एक सेपरेट पेज दिया ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े। ओके फाइन। और देखो ये सारे लोग हैं, इतने लोग थे इस बार के CA एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया में जिन्होंने मुझसे लॉ पढ़ा था। ये मेरी लॉ का अभी पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो पिछले उसके पहले तक कभी इतने रैंकर्स थे ही नहीं मेरे पढ़ाने में 3 साल तक। सिर्फ उसके पहले टाइम में सिर्फ 2 ही लोग थे रैंकर्स जो मुझसे लॉ पढ़े थे। इस बार वो इतने सारे लोग हो गए और काफ़ी अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 176 के पास में, जिसका नाम है, ये देखो यहाँ पे, डिफेक्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉट टू इनवैलिडेट द एक्शन। ये 176 हमारा रह गया था। ओके, अब मुझे कुछ बोलना है। अब हमारे मेन बुक से पढ़ेंगे, पर आपको मैं सेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये देखो मतलब जिस बंदे का अपॉइंटमेंट हो गया, ध्यान से सुनना, अभी ऑसम चीज है। मैं बोलू क्या, अरे बोलू क्या, ओके 176 आप देखना इधर क्या लिखा, 176। अच्छा सुनो ना, पढ़ू मैं इसको, एक्ट ऑफ डायरेक्टर वैलिड इवन इफ, सपोज इस बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ 1 जून को, ही वॉज अपॉइंटेड, His appointment was invalid due to any reason of, by reason of any defect, or by reason of any disqualification. मान लो वो insolvent था 164 में, still we appointed him. Later on we got to know he was insolvent. बताओ भाई, 3 महीने काम कर लिया उसने, he was there in the June month, July month, August month. अब 3 महीने तक वो बंदा काम कर रहा था, later on we got to know in the month of August he was disqualified, he was not eligible to become a director. We removed him as per section 167. Usko bolte hain vacation. See, we were not supposed to appoint him as a director, but by mistake what happened, we did not understand ki he is a disqualified director. We appointed him. Later on we got to know about him, we removed him under section 167. Usko bolte hain vacation. Job karte samay agar kisi bandi ka disqualification hua to usko hum log nikal dete hain. Nikal diya humne usko. But sawal nahi utha hai, wo sawal nahi hai, laya nikala, wo to 164 167 mein hua hai. पर क्या 3 महीने में जो काम किया वो वैलिड है, वो बोल रहा वैलिड है, इसी के लिए सेक्शन आया। फिर जो बंदा डिस्क्वालीफाइड होता है गलती से, आप देखो बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, अब किसी चेहरे पे लिखा नहीं, वो पागल थे। अब वो पहले तो वो ही इज अनसाउंड माइंड, सपोज ही इज अनसाउंड माइंड, पर जिस दिन अपॉइंट हुआ था उसको नॉर्मल बिहेव कर रहा था, अचानक से उसके दौरे गिरते बीच बीच में, बोर्ड मीटिंग में हौले से करता है। तो मान लो कि वी गॉट टू नो लेटर अबाउट हिम कि यार ये तो
ये तो बर्बाद आदमी है, वो कभी कभी रहते ना कुछ लोग साइको, अचानक से उनको कुछ होने लगता बीच में, इसको बार बार बोर्ड मीटिंग में हवाले से करते. तो वी गॉट टू नो अबाउट हिम, तो वी रिमूव्ड हिम. तो बताओ जो उसने दो चार महीने में जो काम किया है, क्या आपको लगता है वो वैलिड मानना चाहिए? जी हाँ, वो बिल्कुल वैलिड है, वरना फिर होगा कैसे? बिकॉज यू मस्ट हैव टेकन लॉट ऑफ डिसीजंस, सो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना इनवैलिड किया जाएगा. सही है? ये ऐसा क्यों लिखता है? हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड बाई रीजन ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन. ये सही लगता है 164. ये क्या लिखता है? वाई रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट. वो अपॉइंट हुआ था पर 160 के हिसाब से हुआ ही नहीं. There was some defect. कुछ तो चीजें थी जो कंप्लायंस में लिखी थी पर उसने नहीं की. सी वॉज अपॉइंटेड, ठीक है, पर कुछ चीजें होना चाहिए वो उस हिसाब से हुआ नहीं था जैसा लॉ कह रहा है, तो उसको निकाल देना चाहिए. वही लिखा, हिज अपॉइंटमेंट वॉज इनवैलिड बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट, बाय रीजन ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन. तो वहां पे 164 नाम लिख दीजिए. कहां पे लिखा आपने डिस्क्वालिफिकेशन? आपकी बुक में है ना ये, बाय रीजन ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन नंबर 164. His appointment had terminated. उसका appointment terminate हो गया by reason of any provision contained in the act, by reason of any provision contained in the article. कोई भी act, इधर underline करेंगे act और इधर underline करेंगे article. किसी भी वजह से उसको terminate कर दिया गया, हकाल दिया गया, निकाल दिया. Whatever the reason it may be, चाहे वो disqualified हुआ हो, चाहे by reason of any provision contained in the act हो, कुछ act में कुछ ऐसी चीजें लिखी हो जिसके उसे remove हुआ होगा, या फिर कुछ आर्टिकल का उसने वायलेशन किसी भी तरीके से जो कुछ किया होगा उसको निकाल दिया होगा. नो वैलिडिटी टू एन एक्ट डन आफ्टर नोटिसिंग ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू बी इनवैलिड और टर्मिनेटेड. वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. अब क्या होगा, ये वैलिड होगा अगर उसको निकाल दिया गया तो. ये तो यहाँ की बात है, पर एक सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, वो जून में अपॉइंटेड था, जून में अपॉइंट किया, जुलाई में अपॉइंट किया, जून में अपॉइंट किया, जुलाई में काम किया, अगस्त में काम किया, अगस्त के एंड में वी गॉट टू नो कि he's crazy, पागल है वो, कुछ भी है, मान लो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उसको उसी समय पे निकाल देना चाहिए जब आपको, when you got to know about that कि उसका कुछ, तो उसी समय पे निकाल दो. उस समय तक के, suppose 31 अगस्त को मालूम चला तो 31 अगस्त तक के सारे काम वैलिड होंगे, बट 31 अगस्त के बाद में भी आपने उसको रखा, मालूम होने के बावजूद रखा, तो बताओ उसके बाद के काम वैलिड होंगे आपके हिसाब से? और एड बोता, इट विल रिमेन इनवैलिड, इट इज टोटली इनवैलिड. 31 अगस्त को यू गॉट टू नो ही इज एन अनसाउंड माइंड, तो उसी क्षण उसी मोमेंट उसको निकाल दे. उतने समय तक जो काम किया था उसको वैलिड मानेंगे, उसके बाद में भी आपकी ग्रेट ग्रैंड मस्ती रही है, आपने उसको रखा है अपने पास ही, आप निकाल रहे, तो उसके बाद के किए, सारे किए कराए सब इनवैलिड माने जाएंगे. समझ में आ रहा है? ये सेक्शन खत्म है, इस सेक्शन में ज्यादा ज्ञान कुछ नहीं है, इतना ही लिखा. देखो यार, No validity to an act done after noticing. क्या मतलब, क्या अगर मालूम हुआ था 31 अगस्त को फिर भी आप उसको पाल रहे हो, रख रहे हो, उसको काम करने दे रहे हो, इसका मतलब तो बेवकूफ़ी हो गई. हाँ भाई, अनजाने में कोई चीज़ हो रही है और जानने के बाद हो रही है, दोनों में फर्क होता है. ऊपर वाला क्या पॉइंट है, अनजाने में जानते हुए, मालूम ही नहीं था. अगर हमें मालूम ही नहीं था और फिर काम, तो हमारी क्या गलती है उसमें? पर द मोमेंट यू गेट टू नो अबाउट इट, उसके बाद में यू आर अलाउ हिम टू वर्क, तो ही शुड बी, यू नो, दैट वर्क विल नॉट रिमेन वैलिड. समझ में आ रहा है? कंक्लूड करें इसको. Nothing in this section shall be deemed to give validity to an act done by the director after his appointment has been noticed by the company. Noticed by the company. यानी कि नोटिस हुआ था 31 अगस्त को, उसके बाद में भी वो काम कर रहा था, वो सारा इनवैलिड माना जाएगा. और नोटिस जिस दिन तक नहीं हुआ था, तो टाइमलाइन कर लेंगे. ओके, लगा दो एक चिट्ठी इस नाम पे, चिट्ठियां बरसा दो, अच्छे से लिखो. पास होना है ना? पास होना कि नहीं होना? अरे पास हो जाओ भाई, जिंदगी में बहुत मजे. इधर देखो, ये देखो, ये उसका हुआ अपॉइंटमेंट. ये अपॉइंटमेंट इस जगह पे हुआ नोटिस. नोटिस ऑफ किसका, कुछ भी लिख लो, डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ भी, या फिर कुछ डिफेक्ट आपको समझ में आया. ये तारीख है 1 जून की, ये तारीख है 31 अगस्त की. तो ये काम जो होगा ना वो वैलिड माना जाएगा, और ये काम जो है ये इनवैलिड माना जाएगा.
valid and valid. Okay now, guys, हमने कल 186 सेक्शन का सबसेक्शन 2 से आगे चालू किया था. आपको जो पूरा लाले लाल दिख रहा है ना, ये पूरा अमेंडमेंट है और उसका नाम है 186 सबसेक्शन 1. आपने कल लोन गारंटी सिक्योरिटी को पढ़ा था 186-2 ऑनवर्ड्स. उस सेक्शन को मैं रिवाइज तो कराऊंगा, पर आप मुझे पहले बताएं कि ये क्या लिखा है. आपको मैं समझने का मौका देता हूं. ये आपको समझ गया ना, मतलब आप इस अटेम में पास हो जाएंगे. ये इतना इतना अंदर जाके समझ नहीं आता हो गया ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी वो पढ़े, इसको इंटरप्रेट करे, है क्या मतलब इसका, क्या बोल रहा है आखिर. इंसान समझे तो सही बोल क्या रहा. पूरा दिमाग लगा दो. पहले 3 लाइन समझ गए तो आप आपसे बढ़कर कोई नहीं दुनिया. फर्स्ट 3 लाइन्स विदाउट से लेके कंपनीज तक. होल्डिंग सब्सिडी सब्सिडी क्यों नहीं तो क्या ऐसा क्यों. अच्छा आप जो बोल रहे सही है सही है सही है. क्या आप जवाब देंगे ऐसा क्यों. एक चीज होती है वाई, एक चीज व्हाट, एक चीज होती है वाई. ये जो लिखा है उसके पीछे कोई लॉ मेकर का कोई मकसद है. इसके बहुत बड़ा एक कारण है, इसके नितिन गडकरी इसके पीछे. सोच के बताओ. एक बंदा दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, फिर क्या होता है वो. और मैंने तुम में इन्वेस्ट किया, तुमने किसी और में किया, दो तक ही चाल उड़े. मैंने किया तुम में, तुम किसी और में करो बस. सवाल रहे कि मैं कोई किस में भी करे तुम्हारा क्या. लॉ मेकर को क्या मतलब है. लॉ मेकर कहते हाँ जी बोले भाई. जैसे कि क्या हो जाएगा, मान लो वो उसमें करेगा, वो उसमें करेगा, उसमें उसमें वो वापस से होल्डिंग में कर देंगे. जी राइट राइट. अच्छा उसमें नहीं जाएगा, ये इसीलिए रोका गया. मतलब मैं जिसमें लगा रहा हूँ उसने उसी मकसद से उसको यूज़ कर लेना चाहिए इज्जत में. और क्यों आगे लगाया. मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम उसको यूज़ कर लो, बहुत सी बात तुम किसी और को दे दो. मैंने तुम्हें मकसद क्या है, मैंने तुम्हें दिया तो इज्जत से तुम यूज़ कर लो. बिकॉज जब मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो मैंने 186 को फॉलो किया होगा, इन्वेस्टमेंट के सेक्शन को UBR पास किया होगा. UBR प्लस SR तो UBR पास किया होगा लिमिट तक. कल था रहा एक अमाउंट 360 करोड़ तक, तो UBR मान लो पास किया होगा.
फिर मैंने तुमको दिया था यूबीआर में लिखा होगा कि भाई ये मकसद के लिए हम लगा रहे थे, सबने बोला ठीक है दे दो, उसने तो यूटिलाइज नहीं किया। हम तो बोल रहे तुम नहीं कर लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं तुमने नहीं किया, इन्वेस्ट इन वन मोर, उसने किसी और में करना चाहिए। क्या बोल रहा है, उसने उसे और में लेना चाहिए, वो अलाउड करेंगे पर उसके अलावा वो अलाउड नहीं करेंगे। उसके बाद बाद विकी असेट हाँ हर कोई कंपनी अपने असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट। सिर्फ बैलेंस शीट में हवा हो रही, काम कुछ हो रहा नहीं ऐसा। विदाउट प्रोविजन टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड मेक इन्वेस्ट थ्रू नॉट मोर देन टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ओके यहां पे देखना क्या लिखा है, एग्जम्पशन पूरा पढ़ेंगे मस्त जाएंगे एकदम भारी है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसको कौन सी एग्जम्पशन है, शॉल नॉट अफेक्ट एक्वायरिंग ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज बियॉन्ड टू लेयर्स एज पर लॉ ऑफ सच कंट्री। नहीं समझा सर, कोई बात नहीं। सब्सिडी फ्रॉम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अ सब्सिडी कंपनी from having any investment subsidy for the purpose of meeting the requirement under any law or under any rule or regulation framed under any law for the time being in force. kya bol raha hai samjha nahi sir ab sun lena kya bol raha hai dekho kaisa hai tum socho abhi jo main bol raha hu ek company ne b mein invest kiya कोई बात नहीं बी ने सी में गया इतना ही वैलिड है अब सी ने डी में कर दिया या अभी इनवैलिड लिख रहा हूं मैं पर लिख रहा हूं क्या हो सकता है डी ने ई में किया ई ने एफ में किया मैं जेड तक लिखूंगा मेरा क्या है मैं लिखूंगा मेरे को रोकूंगा मत मेरे को कोई रोक सकता है क्या मैं लिखूंगा और सोचो पैसे थे यहां पे 100 crores ओके और जानबूझ के हमारे नितिन गडकरी साहब ने ये तब हुआ था इनके ऊपर उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है मतलब ऐसा उनके ऊपर इल्जाम था अप्रूव हुआ नहीं वो बात की बात है पर लोगों ने कह सका कि भाई ये जो नितिन गडकरी है इनके पास पैसा था और जानबूझ के उन्होंने इसको बी में लगाया अच्छी बात है बी ने सी में लगाया सी ने डी में लगाया और ये सारी कंपनी फेक कंपनीज है एनबीएफसीज बना के रखी मतलब वास्तविक जीवन में उनका कोई भी काम नहीं है केवल इस पूरे फ्रॉड को मैनेज करने के लिए कोई काम नहीं है उनके पास ये सिर्फ कुछ नहीं किया इस कंपनी ने इन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ नाम के लिए कंपनीज है उनके बैलेंस शीट में क्या दिखता है आई है और वो दूसरे में फंड इन्वेस्टमेंट करते आते और जाते आते जाते आते जाते कुछ काम नहीं कर रहे। सोचो अगर कल्चर के जेड ने एक्चुअल में उसको इन्वेस्ट किया तो जेड को इंक्वायरी निकली कहां से लाए भाई पैसे तो बोले अपने को एक्स ने दिया था वाई ने दिया था वाई बोलेगा एक्स से आए थे मुझे पैसे। और सोचो एक बंदा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है और ऑफिसर है आप उसको क्या करने लगा रहे हो मतलब आदमी इसके रूट तक जाने तक तो मर जाएगा ये उसका ट्रांसफर हो जाएगा इसमें 10 लोग ट्रांसफर हो जाएंगे इसके चक्कर में ट्रांसफर मतलब बदली हो जाएंगी 2 साल में तो काम होता नहीं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग 2 साल में बदली हो जाती है उनकी एक आदमी ये रूट तक पहुंचेगा कैसे और ये क्या कर रहे हर इन्वेस्टमेंट ऐसे कर रहे हैं भाई तुम्हारा पैसा काला पैसा यहाँ पे आया हुआ है और तुम उसको वाइट कर रहे हो
ये जनरली काम क्या होता है, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसा होता है, जो काम, जो पैसा जो है ना, कोई बंदा अवैध धंधों से, माने कि नॉन शेड्यूल्ड बिजनेस से कमाता है, जिसको लिख नहीं सकता कि मेरा सोर्स क्या है रेवेन्यू का. कोई भी नेता क्या करता है, जब वो करप्शन से पैसे कमाता है, तो उसको करप्शन से पैसे कमाने के अंदर समझता है उसको लगाएगा तो क्या होगा, अब पैसे तो आया है, लगाएगा, खुद लगाएगा तो केस हो जाएगी. वो देता है यहां तक. अब ये जेड इन्वेस्टमेंट करेगा, पहली बात तो पकड़ में आएगा नहीं. मान लो पकड़ में आ गया, क्या उखाड़ लेंगे आप, चलो करो इन्वेस्टिगेशन. मतलब आपने उसको इतना ऑब्स्टेकल जानबूझ के, ये जो कंपनीज है इनका सिवाय इस पेमेंट के ट्रांसफर का कोई मकसद ही नहीं है. आपने इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, लगाया इसने, भाई लगाना इसको ही था तो तू ही लगा देता पैसे, उसी धंधे में लगाना था ना. इतने इतने सारी चीज़ें क्रिएट क्यों किए, यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ बैरियर्स इन द इन्वेस्टिगेशन. मकसद साफ था तुम्हारा, तुम्हें पैसे लगाना थे तो तुम लगा दो, तुम लगा दो, तुम्हारा बी लगा देंगे, बी वाला सी को लगा रहे हो, सी एक्चुअल में यूज कर ले उसको, पर तो ये नहीं यूज करना चाहिए, चलो वो नहीं यूज कर, उसने बी को देना चाहिए तो बी नहीं यूज कर लेना चाहिए पैसे. यूज मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कोई भी, तुमको सीमेंट का फैक्ट्री खोलना था तो तुमने ए ने खुद खोल लेना सीमेंट की फैक्ट्री, तो इन्वेस्टिगेशन किसका होता, ए का. चलो लॉ बोलता कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं खोलना, बोले कोई बात, हो सकता वैलिड रीजन हो, तुमने बी को पैसे दे, तो बी ने सीमेंट का फैक्ट्री खोल लेना चाहिए, बी ने भी नहीं खोला, बी ने पैसे दिए सी को, तो सी ने खोल लेना चाहिए, वो सी भी नहीं खोल रहा, वो डी को दे रहा, डी दे रहा ई को, वो घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा, और जेड वाला सीमेंट फैक्ट्री खोल रहा, तो तुमको घुमाना ही था. You wanted to start cement company, then A could have started, B could have started, C could have started. Itta sab kuch kya? What is the logic behind this? Except creating lot of barriers in the investigation. Aapko ye cheez hai ki aapko pata hai investigation mein jab milengi, you want to create hurdles in the investigations, taki aapki root tak koi pahunche nahi. Ye roots hai, and this is how they create. Ye sari jo companies hai na, ye sari investment companies hoti hai. Is to aap likha hai question mein investment companies. इन्वेस्टमेंट कंपनीज मतलब कौन सी, जो ऐसे पैसे लेके पैसे लगाती है, तो इनका एक्चुअल में कुछ काम तो होना चाहिए ना. ये क्या कर रहे हैं जानबूझकर, क्रिएट यू नो कंपनीज, ऑन पेपर कंपनीज होती है पर सिर्फ इनके धंधों को मैनेज करने के लिए बनी होती है. मतलब समझे क्या, अरे 100 इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलने लगता क्या, खोल के रख दिए, घुमा उसमें ट्रांजेक्शन, खेलता रह जाएगा आदमी, इसमें से आए फिर उसमें गए, उसमें से गए फिर उसमें गए, आदमी जब एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट गया उसका अगर झेड़ का इन्वेस्टेशन निकल भी गया तो कोई भी हालात में वो ए तक नहीं पहुंच पाएगा. और हमारा पॉलिटिकल मिनिस्टर आज भी सेफ है, और जेड का इन्वेस्टिगेशन चालू है, पहुंचना ए पे, ए पे पहुंचने बहुत टाइम, तब तक तो पूरा सिस्टम मैनेज हो जाएगा. इसलिए लॉर्ड ने बोला भाई करो, तुम कितना भी करो दो से ऊपर नहीं जाने का, ए बी में लगाएंगे, बी सी में, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड. पर बी सी में लगा सकता वो अलाउड है, सी डी में लगा सकता है अलाउड नहीं, पर अलाउड हो सकता है अगर डी उसकी होली ओंड सब्सिडरी है. होली ओंड को अलग मानना ही नहीं, वापस से बोलता हूं, सुन के लो ना, जो भारी बोला एकदम, बहुत कड़क बोला मैंने, एकदम कॉन्सेंट्रेशन सुनना. अभी वास्तविक जीवन में तो ए बी में लगा सकता, बी सी में लगा, यहां तक ही लिमिट होना चाहिए. आपने बोला सर सी डी में नहीं लगा सकता, मैं बोल सकता लगाता है अगर ये डी जो है ना इस सी की होली वंड है. आप बोलेंगे डी ई ई में लगा सकता है, नहीं लगा सकता, लगा सकता है अगर डी ई की होली वंड है. तो यानी कि होली वंड सब्सिडीज को एक मानने का ही नहीं, खुद ही मानने का. सी डी को दे रहा तो समझ जाना सी को ही दे रहा, अगर डी होली वंड है तो. और एक बार कोशिश करता, वर्टिकल लिखते हैं, वर्टिकल, ए ने लगाया बी में, बी ने लगाया सी में, और मान लो बी जो सी के ना वो होली ओंड है, तो अभी इसी को ही एक लेयर मानने का, ए ने बी में,
इसको लेयर कंसिडर ही नहीं करने का, और सी डी में लगा रहा है तो ये दूसरा लेयर मानने का, क्योंकि बी जो है ना, ये जो सी जो है ना वो बी की होली ओंड है, तो बी ने अगर सी में पैसे लगाए तो ऐसा समझने का नहीं किसी और में लगाए, खुद में ही लगाए। हे देवा, क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? होली वंड है ना, तो डायरेक्ट ट्रैक पे मिलेगा ना किस कहाँ से आए थे पैसे। होली वंड के वो बजेगा तो अल्टीमेटली होल्डिंग बजी जाएगा ना। चलो मान लो किसको सजा हुई, होली वंड को सजा हुई, तो दर्द तो उसको जो होगा ना पुराने, मान लो सी पकड़ा गया एग्जाम्पल, होली वंड पकड़ा गया, नहीं समझे तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सुन लेते रहा डाउट से। ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, ये हुआ एक लेयर, एक हुआ एक लेयर, मतलब दो लेयर खत्म हो गए। सी ने लगाया डी में, ये अलाउड होगा अगर ये जो डी है ना ये होली ओंड है। अब सपोज इसको इसको पकड़ने का नहीं है, मतलब इसको जीरो का वो सीक्वेंस में उसको एक नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे टू लेयर का वो लेयर ही नहीं है, जीरो ले रहे क्योंकि मैंने मेरे में पैसे लगाए ना। अब समझो डी पकड़ा गया, अब डी ने लगा दिए पैसे और डी का इन्वेस्टिगेशन निकल गया, तो किसको फाइन होंगे? डी को होंगे, पर दर्द किसको होगा? सी को ही होगा ना। अब बोल रहे हैं तो ऐसे तो लोग फ्रॉड कर, फ्रॉड नहीं होगा ना, मान लो कि डी पकड़ा गया तो दर्द तो सी को ही होना है। अरे कोई बच्चे को मारते तो बाप को डर होता ना, बाप को दर्द होता ना, क्या नहीं होता है? बाप ने दृश्य मूवी देखा था क्या? उसकी बेटी को मारते तो आज देखो उनको दर्द होता है बाहर। इसका मतलब क्या, अगर बेटी को दर्द होएगा तो बाप को दर्द होएगा, अगर इधर डी को दर्द होता सी को दर्द होएंगे, तो होली वंड को अलग क्यों मान रहा है? अगर इन्वेस्टिगेशन डी का देगा तो अर्थ में अभी सी सामने आ जाएगा, ए रुको भाई कुछ मत करो, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो उसके साथ में, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इसका मैंने कांड किया। तो डी का जब इन्वेस्टिगेशन निकला तो सी खुद ही बोलेगा भाई मैं हूँ बीच में, क्योंकि मेरी होली वंड है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो लेयर्स कब मानेंगे? हमेशा माने, होली वंड है तब नहीं मानेंगे। इज इट ओके? कितने लेयर्स कर सकते हैं? दो लेयर कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी अभी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। मकसद एक ही है, पैसे रूट मत करो। मुझे पता कौन से लोग ऐसा काम करें जिसका जिसको वाकई में जो सच्चाई की बुनियाद पे जो पैसा कमाया है वो आदमी इतने फालतू कुटाने करेंगे, फालतू लफड़े करेंगे, लेना नहीं देना नहीं, ये लगा रहे पैसे सीमेंट में लगा रहे, खुद ही लगा देंगे, ये बोलेंगे अभी को तू लगा दे रहे, क्या चल रहा है इधर उधर, क्या कोट रहे, लगा जल्दी से। ये आदमी तो एक दिन पैसा आइडल नहीं रखता, ये तो घुमा घुमा के छः महीने से पैसे घुमा रहे, बाद में लगा रहे। इसका मतलब क्या है? उनका इंटेंशन पैसे कमाना नहीं था, पैसों को छुपाना था। ऐसा कोई आम आदमी ऐसा करेगा? बोले लगा तो उसमें, फिर तो उसमें लगा, फिर तो उसमें लगा, फिर तो उसमें लगा, लगा दस कम फिर बाद में देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। ये कॉमन आदमी थोड़ी ना करता ऐसे। इसके पीछे जो ए बंदा है ना, उसने कुछ तो भी कांड किया है पैसे कमाने के लिए, और उसको पैसे छुपाना है, और वो अपने पैसे छुपाने के लिए तक गेम प्लान कर रहे हैं, तो उसको रोक दिया भाई, तो दो तक ही कर सकता। और तो दो, अच्छा एक सवाल है, मान लो कल्चर के दो को भी क्यों अलाउड किया उन्होंने? दो को अलाउड किया अगर इनको ये पता है कि अगर सी पकड़ा भी गया ना तो हम ए तक बहुत आसानी से पहुंच सकते, इट वॉन्ट बी दैट डिफिकल्ट। पर ऐसे ये तुम्हें अगर दो का लिमिट नहीं लगाए, तुमने अगर दो का लिमिट नहीं लगाया तो लोग 50 खुल के रख देंगे, करते पैसे तुम्हें इन्वेस्टिगेशन कहाँ मिलने वाला, ये सोर्स ही नहीं प्राप्त होगा। That is the logic behind of this section. इसको बोलते हैं सबसे, देखो एक चीज होती है what, एक होती है why. अब आपको समझ रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसे। पर इसमें मान लीजिए एक एक्सेप्शन दिया है फॉरेन कंपनी का, कुछ दिया क्या फॉरेन कंपनी? अरे दिया है ना, अभी फॉरेन कंपनी का एक्सेप्शन, वो क्या है सुनो पहले, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। रिलायंस ने एक कंपनी को एक्वायर किया, कहाँ पे? कराची में, पाकिस्तान कराची। उस कराची वाली कंपनी के बहुत सारे सब्सिडीज और थे, तो मैंने लगाया कराची वाली को, पैसे उसमें लगा दिए, इन्वेस्टमेंट किया कराची में, ओके। अब उस कराची वाले ने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, ऐसे वाले लेयरिंग वाले, तो वो अलाउड है। वापस से बोलता मैं क्या बोल रहा था, देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं हूँ रिलायंस। देखो भाई ये लेयरिंग वाला जो किस्सा ना वो सिर्फ इंडिया में डिसअलाउड है, ऐसे कई सारे फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे लेयरिंग को आज भी इनवैलिड नहीं मानते। सपोज एग्जांपल पाकिस्तान कराची, यहाँ पे पैसे लगा दिए, पर जिस दिन पैसे लगाए थे उसके पहले ही ये कराची वाली कंपनी ने ए में लगाए थे,
उसके ए ने बी में लगाए थे, इस बी ने सी में लगाए थे, सी ने डी में लगाए थे, ई लगाए थे, एफ लगाए थे, पर आप तो बोले रिलायंस ने इसमें पैसे लगाए, एक लेयर हो गया। कराची ने ए में लगाए, दो लेयर हो गए। तो फिर बोलते रिलायंस को फाइन ठोक दो। बोले क्यों? रिलायंस तो टू लेयर से आगे बढ़ रहा है। रिलायंस बोले भाई सुन, ये जो इतनी बात है ना वो इंडिया में चलती है, मेरी क्या गलती? ऑलरेडी वो बंदा लगा के बैठा था पैसे, इसमें मेरा कोई कसूर है? मैंने जब एक्वायर किया था, और जिस कंट्री की मैं बात करूँ उस कंट्री में सबसे धंधा अलाउड है, तो मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगा तूने मतलब तूने क्यों लगाया ऐसे कैसे करते। अगर वो चीज़ है उस कंट्री में अलाउड है तो वो एक्सेप्शन है, मतलब वो फिर लायंस के ऊपर सजा नहीं ठोकेंगे। हालांकि ये दो लेयर से ऊपर हो चुका है, पर लायंस की कोई कसूर नहीं है इसमें। अंडरस्टूड? ये अलाउड है, इसलिए फॉरेन लिखा है, इसलिए मैंने कराची का एग्जाम्पल लिया। मैंने यहाँ पे कोलकाता नहीं लिखा। कोलकाता क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड। ये अलाउड है, ये जो लिखा है दिस इज अलाउड, और जो पहले लिखा था वो अलाउड नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं? आपके बुक में है ना वो, क्या लिखा है? आप लिख रहे हैं इसको? पता नहीं क्या लिख रहे हैं। क्या क्या लिखा आपने वैसे? ये अच्छा, ये इतना लिख दिया कि एक बार हाँ ये लिख दो। ये बहुत भारी था, होली वंड को पकड़ते नहीं। लिखो लिखो। हाँ हाँ इंडिया इट विल नॉट बी अलाउड। क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी चाहिए ना वो, या आम कंपनी की बात नहीं चल रही? इन्वेस्टमेंट कंपनी स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिकली एनबीएफसीज बनाते लोग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बना दिए, क्या इन्वेस्टमेंट करते रहती हो? ये लिखा के आपने तो मैं आगे बोलता हूं, उसके बाद में वो भी लिख दो। हो गया, ये लिखो। अलाउड है, ये भी लिख दो अलाउड है। यहाँ पे कराची वर्ड जरूर लिखना, कराची, ये कराची वर्ड जरूर लिखना, और लिख दो अलाउड है। कराची के बदले तुम कुछ भी लिख सकते हो, यूके, यूएसए, कुछ भी लिख। और क्या? ओके चलो अब पढ़ेंगे, बहुत हो गए। ज्ञान की बातें बंद, सेक्शन खत्म, आगे बढ़ना है जिंदगी में। कहाँ हूँ मैं? सेक्शन की बातें क्या हो गया मेरे साथ? चलो मुझे बोलना है। एक एग्जम्पशन दिया था आपको, नंबर वन एग्जम्पशन आ गया क्या? अरे बोल रहे नहीं भाई, आ गया एग्जम्पशन फॉरेन वाला, मैंने समझा दिया था ना, पढ़ के बताता मैं। एक्वायरिंग ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, रिलायंस कहाँ का है? इंडिया का है। कराची की कोई कंपनी होगी, कराची लिमिटेड, उसको एक्वायर किया। अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी, यहाँ पे लिखा है वो, ये एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन किसको है? अगर A company from acquiring any other company incorporated in a country outside India, if such other company has investment subsidies beyond two layers, अब बताएंगे
सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या कराची वाले की ऑलरेडी दो से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी और मैं जाके एक्वायर कर लिया कराची वाले को, तो ये मेरा कसूर नहीं है. एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री, मतलब पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से उसके उन्होंने उसको कराची वाले को अलाउड किया है और मैंने कराची को एक्वायर किया है, तो ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. पॉइंट वन क्लियर है. नेक्स्ट, सब्सिडी फ्रॉम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. अब देखना क्या बोल रहे हैं. A subsidiary company from having any investment subsidy for the purpose of meeting the requirement under any law, under any rule, regulation framed under any law for the time in force. अगर कल चेक ये किसी example दे रहा हूँ, example, ये खुलासा किया है RBI ने कि एक बैंक दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक तीसरे बैंक में, तीसरे बैंक चौथी बैंक में, ऐसा RBI कह रहा सिर्फ banks के लिए, तो बैंक बन जाएगी इस केस के लिए एक्सेप्शन. भारत में बहुत सारे लॉ है, बहुत सारे लॉ में अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी का IRDA बोलता है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे में लगा सकती, दूसरी तीसरे में लगा सकती, तीसरे चौथे में लगा सकती, पांचवी इसमें लगा सकती, अगर वो इंश्योरेंस अलाउ कर रहा है IRDA, तो इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी इसका एक्सेप्शन अपने आप ही. देखो भाई भारत में कैसा है ना, अलग चीज़ों अलग एक्ट है, बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट आ, बोले बैंक ऐसा कर सकते, तो कंपनी जैक्ट बोले भाई ठीक है चलने दो तुम्हारा, पर बैंक को छोड़ के बाकी सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा. कल चाहिए IRDA बोला नहीं नहीं ये हमारे लिए क्या को चाहिए, हम चाहते कि ऐसे इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर उस केस में वो IRDA के जो इंश्योरेंस कंपनी से वो सारी बन जाएगी एक्सेप्शन. इसलिए मतलब टाइम में इनफोर्स अलग अलग लॉ में अगर किसी जगह पे छुटकारा दिया होगा तो ये छूट उनको वैलिड हो जाएगी. मतलब ये बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है एप्लीकेबल सबको है, पर कुछ जगह पे अलग स्पेसिफिक एक्ट ने बोला होगा कि भाई हमको नहीं चाहिए, तो फिर नहीं चाहिए. बराबर, ओके डन. इसमें एक चीज है, एक चीज है, कहाँ पे है सेक्शन, चार्ट बुक किधर है, चार्ट बुक किधर है, चार्ट बुक वो होली बॉन्ड वाला पॉइंट जो है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है, पढ़े इसको, यहाँ पे लिख दो रेफर अमेंडमेंट ऑन चार्ट बुक. कहाँ पे लिखेंगे आप, ये जो आपका 186(1) है ना, उसमें आए गए सारे अमेंडमेंट्स, रेफर अमेंडमेंट्स इन चार्ट बुक. ओके डन, कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे आप. एवरीवन कम ऑन. नो कंपनी अदर देन द कंपनी बिलोंगिंग टू क्लास स्पेसिफाइड इन सब रूल टू शैल हैव मोर देन टू लेयर्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ सब रूल शैल नॉट अफेक्ट अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विथ सब्सिडीज बियॉन्ड टू लेयर्स. आपको लगता नहीं ऑलरेडी हमने देख लिया, अरे इंडिया के बाहर ऑलरेडी अगर दो होंगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं ना, ये एग्जाम्पल कराची वाला हो गया. Provided for that, the computing number of layers under this rule, one layer which consists of one or more wholly owned subsidiaries or subsidiaries shall not be taken into account. बराबर है? अरे बोलो ना यार, wholly owned को इस गिनती में पकड़ने का नहीं, wholly owned ऐसा मानेंगे अपने खुद में किया, उसको जीरो मानने का. Is it? Next, this provision shall not apply to following classes of companies. अब देख ले, समझ गया? क्या बोल रहे हैं? अब बताओ एक्ट में और इसमें क्या फर्क है? एक्ट में लिखा था, क्या लिखा था, एग्जम्पशंस, कि उस समय एट द टाइम में कुछ लॉ कह रहे होंगे कि एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज, दिस प्रोविजंस बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. Non-banking financial companies as defined in RBI 1934, which is registered under RBI and considered as what systematically important NBFCs by RBI. Insurance company being company which carries on the business insurance and government companies
इन चारों को इस सेक्शन के बाहर रखा है, अर्थात ये दो लेयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसका ऐसा मतलब नहीं होता, ऐसा मतलब नहीं था, सुन के लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका ऐसा मतलब होता है वो उतने लेयर इन्वेस्टमेंट करेगी जितना बैंक वाले बैंक के रेगुलेशन को फॉलो करके। आप ये मत बोलो वो कर सकते हैं, वो कर सकते नहीं कर सकते वो अपने को नहीं पूछेंगे आज की बात। बैंक के ऑर्डर तुम हमारे बारे हमको ज्ञान मत दो, तो हमारा एक्सेप्शन डालो हम हमारा देख लेंगे, हमको क्यों ज्ञान दे रहे, हमको नहीं RBI चला रहे ना, तो हम उछार लोग हैं ना, तो हमारे चार लेयर लगाना का छह लेयर हम डिसाइड करेंगे। तुम इतना एग्जम्पशन डाल दो उधर कि बैंक को नहीं लगेगा, फिर आप बैंक को लगेगा, बैंक चार कर सकते छह कर सकते, इसके लिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझे भाई, जो जिसको उसका एक्ट देख रहा है ना, IRDA नाम का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो उसका हिसाब किताब उसमें रहेगा ना। कंपनी एक्ट कैसे चौधरी है, ये तो चौधरी बन रहा है, तुम नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इस तरीका ना, इंश्योरेंस बोला मेरे बीच में मत, NBFC बोल रहा मेरे बीच में मत, बैंक बोल रहा मेरे, गवर्नमेंट तो बादशाह है, गवर्नमेंट तो बोलते हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम दो क्या 50 करेंगे। तो गवर्नमेंट तो वैसे बहुत सारे सेक्शन, तो जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आती है गवर्नमेंट कंपनी अपने आपको एक्सेप्शन में डाल देती है। पूरे कंपनीज एक्ट के जितने भी जहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ कुछ होता है ना, इम्पोज करते ये मत करो, वहां पे गवर्नमेंट अपने आपको एक्सेप्शन डाल देती। Why गवर्नमेंट कंपनी शुड हैव ऑल द फन, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, सरकार है वो, तो उनको छोड़ दिया। अब आगे, प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन टू 186(1). Every company other than referred in sub-rule 2 existing on or before the commencement of these rules, which has a number of layers, subsidiaries in excess of layers specified in rule 1. क्या बोला समझा क्या? अगर मान लो जिस दिन ये रूल आया था उसके पहले ही इनके पास कितने थे, दो से ज्यादा लेयर थे, उनका क्या होगा? फाइल विद रजिस्ट्रार अ रिटर्न डिस्क्लोजिंग डिटेल स्पेसिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 150 डेज। आपको 150 दिन के अंदर ROC को बोलना है, मम्मी मम्मी जो रेयर रूल आया वो दो का है पर मेरे पास चार है, अब क्या करें? पहली बात तो मम्मी को डिस्क्लोज करना है, मम्मी देख तुमने बोला था ए का बी में होना चाहिए, बी का सी, मेरा नाम ये है, मैंने बी में क्या है, बी को सी में बोला, सी ने डी में कर दिया, डी ने ई में कर दिया, जो कि इस नए रूल के हिसाब से सही नहीं, पर मेरा काम है आपको सूचित करना, मैंने सूचित कर दिया 150 दिन के अंदर, समझे क्या? अभी तक इतना ही बोला डिस्क्लोज करना, अभी तक ये बात की क्या बंद कर दो, आगे बोलेगा, अभी बोलेगा सिर्फ मम्मी को बताओ कि मम्मी मम्मी ऐसा मैंने गंदा काम किया है। आगे, Not after the date of commencement of these rules have any additional layer subsidiaries over and above layers existing on such date. समझा क्या लिखा? अगर तुम्हारे पास अगर चार है अभी इस वक्त, तो पांचवी मत करना अभी गलती से भी। चार पे पहली बात तो चार तो लॉक है, डेड लॉक कर दो, चार से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अभी सवाल तो यही है कि चार अलाउड है कि नहीं, पहली बात चार की बांधे, पांचवी तो लाना ही मत। तो पहली बात क्या हुई, मम्मी को 150 दिन के अंदर बताएंगे, जितने आज हमारे पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मेरे पास चार है तो मैं चार से ऊपर जाऊंगा नहीं। आगे, नॉट इन केस वन और मोर लेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय इट्स सब्सिक्वेंट टू कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स हैव नंबर ऑफ लेयर्स बियॉन्ड नंबर ऑफ लेयर्स इट हैज आफ्टर सच रिडक्शन और मैक्सिमम लेयर्स अलाउड इन रूल 1 विच इज मोर। क्या लिया समझा गया? अब बताओ उसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो देखो, एवरी कंपनी अदर देन दिस एग्जिस्टिंग ऑन बिफोर दिस दिस व्हिच हैज अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडीज इन एक्सेस ऑफ लेयर्स स्पेसिफाइड रूल शल। क्या करना चाहिए उन्होंने? पहली बात तो एक्सेस होता है 150 दिन में इन्फॉर्म करना चाहिए, उससे बढ़ाना चाहिए। ये तीसरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, क्या लिखा है? पहले फर्स्ट टू पॉइंट्स एकदम दिमाग में गए, थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा दर्द वाला है। मैं बोलूं, समझा क्या आपको? कैसा था, मान लो चार थी मेरे पास और चार की मैंने तीन हटा दी तो एक बची और दो लॉने गई थी, विच एवर इज मोर, तो मैं तो दो रख सकता हूं। अब आगे, मेरे पास चार थी
मैंने एक हटाई, अब तीन, लौने कितनी गई थी, तो मैं तीन रख सकता हूं, श्योर है? वापस एक बार बोलेंगे, ऐसे आपको कोई अलग इंटरप्रिटेशन बताइए, ऐसे ही मतलब है, लिखा है ना, देखो देखो क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड को देखेंगे, नॉट इन केस वन और मोर लेस आर रिड्यूस किए थे, चार थी मेरे पास, मैंने तीन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल तीन लेंगे, तीन का एग्जाम्पल हो, चार का मैंने तीन कर दिया, सब्सिक्वेंट टू कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, तो रूल आने के बाद मैं डर के मारे मैंने चार का तीन कर दिया, हैव नंबर ऑफ लेयर्स बियॉन्ड नंबर ऑफ लेयर्स इट हैज आफ्टर सच रिडक्शन, तो आफ्टर रिडक्शन मेरे पास कितने हो गए, तीन, और मैक्सिमम लेयर्स अलाउड दो, तो कितने रख सकता हूं मैं, समझ गए, आगे और उल्टा बोलेंगे, चार का अगर मैंने एक कर दिया था तो मेरे पास क्या हो गया, तो एक ही बचा और दो तो लॉ अलाउ कर रहा है, तो दो तो रख ही सकते ना, क्या दिक्कत है, समझ गए, और लिखा है कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसको अलग है, इसको हाईलाइट कर दो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट्स नाम तो सुना ही होगा, अमेंडमेंट, चलो भाई पूरे अमेंडमेंट को एक बार रिवाइज करते हैं, क्या बोल रहा है अमेंडमेंट, दो से ज्यादा आप कर सकते हो अगर जो नई कंपनी वो होली ओंड है, अर्थात होली ओंड को आपने इस गिनती में नहीं पकड़ना, ये वो भी बोल रहा है अगर फॉरेन में ऐसा कुछ हुआ होगा, वैसे अमेंडमेंट के पहले से ही पहले था, फॉरेन में जो होता है, बोलो क्या फॉरेन में होता है, ऑलरेडी अगर उसने बहुत सारे ज्यादा लेयर किए होंगे तो उसमें मेरा कोई रिलायंस का कोई कसूर नहीं, अगर कराची का ऑलरेडी इतना सब कुछ होल्डिंग हुआ, चार लोगों को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और क्या नाम इसका, गवर्नमेंट, इनको एप्लीकेबल नहीं, आगे बोलो, लास्ट में लिखा ना क्या करना चाहिए, 150 दिनों के अंदर मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए, मम्मी इतना चार चार के साथ में चक्कर चल रहा है, उसके अंदर दूसरी बात, उससे ज्यादा आप करो मत, चार से बढ़ना मत, और तीसरी बात, अगर आपने चार से कम कर दिया हो, पहले तो बढ़ना मत, कम कराऊंगा तो कम करके तीन हो गई, तो तीन और दो तीन अलाउड है, आपने चार से एक कर दी, और अगर दो कर दी तो दो और दो विच इज हायर, दो, सिंपल, नेक्स्ट, बेस्ट है बेस्ट, आप जैसा कोई नहीं दुनिया में, क्या पढ़ते हो, क्या है लॉजिक है आपके पास, सूप अब, चलो आगे बढ़ते, क्या जिंदगी में, जीवन में आगे जाना जरूरी है, सेक्शन नंबर आज की जो सेक्शन है वो इतने छोटू छोटू से है ना, मैं आपको सेक्शन नंबर देता हूँ, 187, 189, 190, 191, 92, 93, ऐसे खत्म होंगे, एक ही दर्द है जिंदगी में, 188, दर्द वाला सेक्शन एक ही बचा है, 184 का दर्द खत्म हो चुका है, 186 का दर्द कल एंड में खत्म किया हमने, सर ये जो चिल्लू चिल्लू सेक्शन है, 187, 89, 90, 91, 92, 93, चालू खत्म ऐसे, एक जो दर्द आएगा वो दर्द है 188, नाम से ही दुनिया कांपती है जिसकी, बहुत वाहियात है वो, वाहियात मतलब क्या है, वॉल्यूम कितना है देखो ना, 188, एक दो सेक्शन छोटे छोटे खत्म करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 188 पे आते, क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलो भाई चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक, सेक्शन नंबर 187, आ जाओ क्लास में बैठे हो, नोट्स बनाते रहो, चिट्ठियां लगाते रहो, जीवन का आनंद उसी में ही है, किसमें, चिट्ठियों में, चलो आ जाओ भाई आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी, आपको पढ़ना है फर्स्ट पैराग्राफ, क्या बोल रहा है वो, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, आपने कभी एक वर्ड सुना बेनामी, बेनामी, और मोदी जी के राज में वो एक्ट भी आ चुका है, बेनामी एक्ट, और जो लोग अपना पेपर सेलेक्ट करते हैं ना, ईसीएल कोई है ना, किसी ने सेलेक्ट किया पेपर नंबर 6 में, ईसीएल को सेलेक्ट किया, ईसीएल आपने सेलेक्ट किया, बहुत आगे जा गया, आपने इकोनॉमिक लॉ सेलेक्ट किया, देखो अपना यहाँ पे ये जो है ना लॉ, हाँ करने वाले थे छोड़ दिए, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कर लो, ऐसे मैं पढ़ाता नहीं उसको, मेरा कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाता ही नहीं उसको, पर आप जब ये पढ़ोगे ना, अभी इकोनॉमिक लॉ आएंगे, तो इकोनॉमिक लॉ के चार चैप्टर्स में एज इट इज है, दो ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक बेनामी और रेरा, दो चैप्टर पढ़ेंगे एक 100 मार्क का सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा,
आपने सेलेक्ट कर ली कैसे? अच्छा आप तो कोई बोल के फायदा नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा चेंज कर सकते हैं। अभी क्या काम करो, अभी डिसाइड मत करो, मेरी क्लास कर रहे ना, इकोनॉमिक लॉबी में पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद में यदि आपको महसूस हो जाए कि नहीं नहीं अब करना चाहिए ऐसा, मतलब हमने इसको ऑप्ट करना चाहिए, तो आप ऑप्ट कर लेना उसको। यदि लॉ में इंटरेस्ट आ जाए, कुछ लोग होता है ना एफ आर से कनेक्टेड है तो एफ आर एस लेना, एस एफ एम से कनेक्टेड है तो क्या है वो रिस्क मैनेजमेंट, न तो इंटरनेशनल टैक्सेशन है। आपको जो करना है करो, उसमें मेरा कोई मार्केटिंग वाला मुद्दा नहीं कि मेरी क्लास करो, मैं तो पढ़ाता ही नहीं। पर अगर ये पढ़ा रहा हूँ ना मैं, तो इसमें वो फ्री में होता है, तो क्या करना, अभी क्लास में जब पढ़ेंगे ना आप, तो थोड़े उसके चैप्टर्स देखो, तो आपको लगेंगे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है उसमें। आपका कुछ मन पक्का हो गया? हाँ सेम ही है ना। आपका क्या, किस तरफ आपका ज़्यादा जोर है? इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेरी गुड। देखो क्या अच्छा क्या बोल रहा है ये मत देखो, करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अच्छी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपको लगे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, वो मत देखो क्या करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय ये देखो मेरे कितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सीए बनने के बाद में मेरा करियर किस में होने वाला, ये मुझे मालूम नहीं था, मैं टीचर बन गया। मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो कुछ अलग थे, मैं पढ़ा रहा कुछ अलग हूँ, अंडरस्टैंड करो। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते वही सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते क्या? ऐसा तो अभी मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान देते, सर बताओ किस में स्कोप ज़्यादा है? अभी चुप बे बैठ, स्कोप ज़्यादा है, पास हो पहले, स्कोप ज़्यादा है। अरे स्कोप कल का स्कोप क्या, मैं क्या गिन लेगा? तो आज मुझे पता था कि मैं टीचर बनूंगा, जो सक्सेसफुल टीचर बनूंगा, ऐसा तो नहीं पता होता कुछ। वो तो आपको जो चीज़ में पसंद आ जाता हो जाता, क्लिक हो जाती है चीज़ें बाद में। पहले सीए बनना आवश्यक है। अभी से झंडे क्या गाड़ लूँगा सर? नहीं, और कुछ लोग आके मुझे सर देखो कैसा ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन में थोड़ा सा मेरा ये है, पर इसमें मुझे लग रहा मैंने कई लोगों से बात की है, फाइनेंस में बहुत मज़ा है। अच्छा अरे भाई पास होंगे सीए होंगे तो मज़ा है ना। वो सब्जेक्ट चूज करो जो आपको पढ़ने में आसान स्कोरिंग लग रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल टैक्सेशन हो, लॉ हो, कोई वो अभी निश्चय वो नहीं हो रहा है, कोई भी लो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। करियर तो सीए बनेंगे तो करियर होगा ना, क्या पहले हो जाएगा? बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा इमोशनल हो गया अभी, ऐसे भविष्य का प्लानिंग आज नहीं कर सकते, कहाँ पे मेरी जिंदगी जाए, कहीं पे जाएंगे नहीं, क्या होने वाला, किधर होने वाला, अपने को मालूम है किस में, तुमको खुद को पता नहीं, तुम डीटी में प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी में करेंगे, वो माहौल बनता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इन द मार्केट। शॉर्ट करते ना हम लोग, डू नॉट ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आपको जीएसटी अच्छा लगता है, जीएसटी के 100 लोग पढ़े मार्केट, तुम्हारे पास कौन आएंगे? ऐसा रहता ना, इट्स डज नॉट मीन कि आपको जो अच्छा लगता है वही करने का, कभी कभी वो भी करना पड़ता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज है, दोनों क्रैक होना चाहिए तो धंधा हिट होता है। डू नॉट ओनली, इसलिए हम लोग को करते ना कॉन्सेप्ट टॉस, TOWS, जहाँ बोलते हैं डोंट ओनली थिंक अबाउट इंटरनल, थिंक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, एंड बोथ शुड बी थॉट साइमल्टेनियसली। चलो कोई बात नहीं, अब ये तो ज्ञान दे रहा था, मेरा कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो लॉ जरूर देख लेना और अपने मन से विचार करना, करियर को लेकर नहीं, पास होना सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं इतने पड़ा बड़ा के थक गए, उम्र हो गई मेरी, रिटायरमेंट का एज आ गया, रिटायर हो जाऊंगा 4-5 साल बाद बस। सच में क्या करने का, कितना पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 19 आ गए, 11 साल हो गए, और सीए करते करते 6 साल पढ़ा था। इंटर में 2 अटेम्प्ट लग गए थे, फाउंडेशन 1 अटेम्प्ट लग गए थे, तो 6 साल वहाँ हो गए, ये 11 साल। मेरी मम्मी को लगता था सीवन में मैं पढ़ूंगा नहीं, मम्मी को लगता था सीए खत्म हो जाएगा तो बेटा पढ़ाई ही करना बंद कर देंगे, साला गलती से टीचिंग में आ गए, स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बस आराम करूंगा 4 साल बाद, रिटायरमेंट। सच में इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी इन इट्स ओन नेम, देखो भाई इसको बोलते बेनामी, बेनामी से कांड निकला था, बेनामी नाम का एक्ट होता था, वहां से मैंने चालू किया था शुरुआत। वो बेनामी एक्ट क्या है मैं आपको अभी ज्ञान दे रहा हूँ, क्या होता है भाई, मोदी जी का राज है,
मोदी जी बोल रहा तुम्हारी संपत्ति ना तुमने किसी और के नाम पे नहीं लेने का, बस दैट्स इट। उसको बेनामी बोलते, बेनामी मतलब ऐसा नहीं किसका नाम नहीं, ऐसा नहीं होता। कई लोग तब बेनाम मतलब किसका नाम नहीं, ऐसा नहीं है। स्वप्निल पाटनी पैसे लगा रहा है, मैं एसपी और नाम ले रहा हूँ शरद पवार का, नाम ले रहा हूँ एसपी सुंदर पिचाई का, ऐसा नहीं होगा। मैं एसपी हूँ तो एसपी मतलब मैं स्वप्निल पाटनी हूँ तो स्वप्निल पाटनी के नाम पे चुना चाहिए, मैं तुम्हारे नाम पे नहीं ले सकता। मेरा एम्प्लॉय जहीर उसके नाम पे नहीं ले सकता। वजह सपोज मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मेरे पास है ब्लैक का पैसा या मेरे पास कुछ पैसा है, लोग क्या करते हैं खुद के नाम पे, अपने रिश्तेदार जो गरीब गरीब टाइप के इसके नाम पे, क्योंकि उसके ऊपर केस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके कुछ भी नहीं है। ये एम्प्लॉयज एफडी रख दिए एम्प्लॉय के नाम पे, मतलब क्या होता है इसमें, मतलब कल चाहिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो पकड़ेंगे, वो ट्रू ओनर तो पकड़ा ही जाएगा ना। तो बेनामी एक्ट इतना वही आते हैं, सीधा पनिशमेंट है उसको। अपनी संपत्ति अपने ही नाम पे होना चाहिए, और वो 187 भी बोल रहा है, इफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, लेट इट बी प्रॉपर्टी, लेट इट बी मूवेबल इमूवेबल शेयर्स, कुछ भी ले रहे हो, एवरीथिंग शैल बी इन द नेम ऑफ कंपनी। अर्थात ये एक कंपनी पैसे लगाए तो किसी और के नाम पे ना हो उसके। मान लो रिलायंस कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रही है तो रिलायंस का ही नाम लगना चाहिए, ना कि मुकेश अंबानी का पर्सनल नाम लगना चाहिए। यही सेक्शन क्या है, और सेक्शन में इसके अलावा कुछ नहीं है। कंपनी किस में पैसा लगाए, किस में भी, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगाए, लैंड बिल्डिंग्स में, प्लांट में, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, ये सेक्शन बहुत ही ब्रॉड है। वो लिख दिया लास्ट में और अदर असेट्स, साला किस में भी लगा पर तेरे नाम पे ले भाई। ये दो तो खुल के लिख दिया, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी जनरली जान लोग लगाते, उसने बोल दिया इसके बाद में भाई किस में भी लगा तो पैसे, पर नाम पे तो अपने होना चाहिए। इन शॉर्ट इफ द रिलायंस इज इन्वेस्टिंग इन व्हाट एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और शेयर्स और सिक्योरिटी किस में भी लगाए, नाम अपना लिखे, किसी और का न लिखे, पब्लिक को गुमराह न करे। सर गुमराह कैसे होंगी पब्लिक, बताओ तुम ही बताओ गुमराह कैसे होगी। पहली बात तो मुकेश जी का पैसा है क्या, नहीं पैसा इसका रिलायंस का, तो नाम पे तुम रिलायंस के लेना चाहिए क्या मुकेश जी के, क्या मुकेश जी की पर्सनल संपत्ति के, नहीं। तो पहली बात तो अपनी कंपनी का सेट अपने नाम पे हो, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर, मुकेश अंबानी इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, कम ऑन। तो किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पर। दूसरे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फंसाने के लिए, गुमराह करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, बोलो यार, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स के पास में क्या प्रॉब्लम है कि उनके पास में जो उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, दैट इज द ओनली थिंग विच दे आर गेटिंग इन वाइट। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बोलो भाई। अभी लोग क्या करते, थोड़ा बहुत जो वाइट रहता, अभी लैंड लेते, लैंड एक एक पॉलिटिकल लीडर की 500 एकड़ जमीन है। जमीन एक ऐसी चीज है ना इंडिया में जिसमें 10 लाख रुपए बैठ गया था, 90 लाख रुपए कैश गया था। आज भी गांव में जाएंगे आप तो गवर्नमेंट वैल्यूएशन इज वेरी लो, पूरा ब्लैक उसमें घुसड़ दो आप उसकी बॉडी के अंदर। तो क्या करते लोग, बेनामी क्रिएट करते हैं उसमें, वो मिनिस्टर का भाई, मिनिस्टर का ये, मिनिस्टर का खास दोस्त, पूरा बेनामी क्रिएट करते, समझ गए। पैसा किसका, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का पैसा, और लगा इसमें लगा उसमें, पूरा बेनामी क्रिएट करते। अब इसमें तो बहुत सारा पैसा ब्लैक का आया हुआ है, वो मिनिस्टर ने जो करप्शन से पैसा कमाया उसकी प्रॉपर्टी, पर नाम पे किसी और दिखती, मिनिस्टर तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, मिनिस्टर पकड़ा जाएगा कौन, कोई और ही पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बोल रहा है पकड़े जाने की बात ही नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी कल्चर की इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होता है कि तुमने पैसे दिए थे नाम पे किसी और के किए, तो गए तुम, ये बेनामी है, ये भी यहाँ पे आया है, वो बेनामी इधर लिख के आया, बोल रहे अगर कंपनी के पैसे है और कंपनी का नाम नहीं है तो कंपनी 187 में तो जाएगा अंदर, बेनामी एक्ट में भी अंदर जाएगा। ये क्राइम है, सीरियस क्राइम। और जब से मोदी जी आए, ये आप जानते हो मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें करी है करप्शन के अगेंस्ट में, दिस इज वन ऑफ देम। और वो करप्शन की चीज़ें इतनी फेमस हो गई बेनामी, तो उसको ICI ने तो उसको एक एक्ट डाल दिया, 20 मार्क के लिए एक्ट है वो, 5-6 चैप्टर है, 100 मार्क के लिए इकोनॉमिक लॉ में जाएंगे तो बेनामी 20 मार्क के लिए था एग्जामिनेशन। तो ये ऐसा है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि वो किसी भी जगह पर लगा है, फॉर एग्जाम्पल However, the company may hold any shares in subsidiary company in the name of any nominee of the company, if it is necessary to do so, ensure that the number of members of the subsidiary company is not reduced to below 7. मुझे बोलना है इसके बारे में, क्या बोल रहे हैं?
all the investment made or held by company in any property, security, other assets shall be made held in its own name. बराबर है? आपको मालूम है यही सिर्फ ये पूरा कॉन्सेप्ट है. पर आप कहेंगे इतना बड़ा बड़ा क्या लिख रहे हैं नीचे, वो क्या लिख रहा है बड़ा बड़ा, सुनो वो क्या बोल रहा है. पर कुछ ऐसी 5 इंस्टेंसेस है जहां पे कंपनी अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे न लेते हुए किसी और के नाम पे ले तो वो अलाउड है कानूनन. देयर आर 5 एक्सेप्शन टू इट. नंबर 1, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऑसम चीज बोल रहा हूँ, ऑसम. आपने कभी होली ओन सुना होगा? होली ओन मान लो एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस की एक होली ओन कंपनी है एक्स. ध्यान से सुनना, अब एक्स कंपनी अगर होली ओन है मतलब 100% पैसा किसका है? तो एक्स के जो शेयर होल्डर या मेंबर कितने आएंगे? सर पर कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होना मिनिमम, और प्राइवेट में कम से कम 2 होना चाहिए. पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड होते और प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते. तो ये है लिमिटेड कंपनी, इसको मिनिमम कितने चाहिए? अरे बोलो ना. पर अगर रिलायंस ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसके मेंबर्स के लिस्ट में सिर्फ एक ही मेंबर दिखता है, उसका नाम है रिलायंस, क्योंकि होली ओन्ड है. अरे होली ओन्ड है ना, तो आपने वो क्या लिया? एक्स कंपनी बोलेगी मेरा मेंबर एक ही चाहे, कौन? रिलायंस. लॉ का वायोलेशन हो रहा है. वाइंडिंग अप चैप्टर में लिखा है अगर आपकी कंपनी के मिनिमम नंबर अगर पूरे नहीं होंगे तो आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी. मतलब अब इनको 7 की पूर्तता करना जरूरी है. तो ये 6 लोग ऐसे जमा करेंगे, कोई भी पैसे किसने लगाए? तो पूरे रिलायंस के नाम पर होना चाहिए. पर रिलायंस फोकट में 6 शेयर बांटेगा, 6 आदमी खड़े करेंगे फोकट के, पैसे किसके लगाए? और नाम के तू ले ले, एक ले ले, एक ले ले, चल तू भी ले ले. जबरदस्ती बांट रहे लोगों को, एक एक करो, एक एक करो. अब बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि 7 की पूर्तता कर, उसको बोलते हैं नॉमिनी शेयर होल्डर्स. नॉमिनेट कर दिए, तू ले ले भाई, तू ले ले. क्यों? बिकॉज आपको लॉ की पूर्तता करना है, जहां पर लिखा है कम से कम 7 लोग होना चाहिए. वो 6 लोगों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, पर लॉ के कंप्लायंस के लिए 6 लोग खड़े करना पड़े. ले लो भाई तुम्हारे पास, ये भी अलाउड है. इसका मतलब क्या है? लॉ ने क्या बोला था? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी नाम पे होना चाहिए. पर इस एक्सेप्शन में क्या लग रहा है? कंपनी की प्रॉपर्टी है पर किसी और के नाम पे जा रही है, जो कि अलाउड कर रहे हैं. 6 नॉमिनी शेयर होल्डर्स है, नॉमिनी मेंबर्स. और तो पूर्णता तक कितनी होगी? ये 7 हो गए मेंबर्स. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. ये आपको लिखना भी है, चिट्ठी भी है. सुनो पहले एक बार, इधर देख लो, इधर देख लो, देख लो. यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, देखो क्या लिखा था. हाउएवर द कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनी और नॉमिनी ऑफ द कंपनी इफ इट इज नेसेसरी टू डू सो टू एंश्योर दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी इज नॉट रिड्यूस बिलो द, समझ गया? कितनी? 7 लिखते क्या? लिखो रे भाई. चलो नेक्स्ट. ये एक एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन और आपकी जिंदगी में मौजूद है. एक्सेप्शन नंबर, सर ये एक्सेप्शन था क्या? नहीं, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है. पर ये सेक्शन में हाउएवर करके लिखा था. हालांकि ये भी मतलब ऐसी चीज है जहां पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया, नाम किसी और का है. और 4 बातें आपके सामने ऐसी है कि
डिपोजिशन ऑफ असेट सिक्योरिटी एक्सेट्रा हेल्ड बाय द कंपनी, है ना। अब देखो क्या लिखा है, ए नथिंग इन दिस सेक्शन शाल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद अ बैंक बींग द बैंकर ऑफ द कंपनी एनी शेयर सिक्योरिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ एनी डिविडेंट और इंटरेस्ट। मुझे इसके बारे में कुछ बोलना है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पता? ये इधर वाली जो कंपनी वो रिलायंस है, उधर वाली क्या है, मान लो रिलायंस का अकाउंट देना बैंक में, देना बैंक में। और रिलायंस आप जानते हो, रिलायंस के बहुत सारे पैसे होंगे, उन्होंने बहुत सारी जगह पे लगाए होंगे, जैसे शेयर्स में लगाए होंगे, बॉन्ड में लगाए होंगे, डिपॉजिट में, हर जगह पे लगाए होंगे। आपको लगता नहीं इतनी जगह पे अगर शेयर्स लगाए हैं तो डिविडेंड करना, कलेक्ट करना भी एक हेडेक है। हमारे जैसे आम लोग अगर 15-20 जगह पे लगाते हैं पैसे, तो डिविडेंड कलेक्ट करना भी हेडेक है, हाँ। और डिबेंचर में पैसे लगाए तो इंटरेस्ट कलेक्ट करना भी हेडेक है। आजकल तो एक नया सेक्शन है 123 में, अमेंडमेंट आया हुआ है, क्योंकि डिविडेंड अगर आपने लगातार 7 साल तक कलेक्ट नहीं किया तो कंपनी के शेयर्स IPF में ट्रांसफर हो जाते, मतलब आपके शेयर्स अमर हो जाएंगे। मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही, मैं नहीं ले रहा, पहले साल दिया नहीं लिया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छह साल, 7 साल तक मैंने डिविडेंड नहीं लिया, तो नया कानून आया कि मेरे मित्र जो डिविडेंड गया भाड़ में, जो मेरे शेयर से वही ले लेंगे गवर्नमेंट, ये कानून है। अब हम बोलेंगे इसमें मेरा घाटा तेरा क्या जाता है, डिविडेंड मैं ही नहीं ले रहा हूँ। गवर्नमेंट बोल रहे नहीं तू ले, क्यों छोड़ रहा, बोले मैं छोड़ रहा हूँ, बोले मैंने छोड़ दिया, बोले नहीं छोड़ सकता, बोले क्यों, तू छोड़ के देख, बोले क्या करेंगे, 7 साल तक मत ले, तेरे शेयर भी उठा लेंगे। मतलब पहली बात तो यह है कि डिविडेंड कलेक्ट करना हो गया जरूरी, तो कंपनी का टेंशन नहीं लेना चाहिए, रिलायंस क्या कर रहा है, ये देना बैंक को ट्रांसफर कर, देना बैंक क्या बोल रहा है, मैं आज के बाद तुम्हारे बिहाफ में बोलो डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। इसी के लिए रिलायंस ने अपने सारे शेयर्स को, सारे डिबेंचर्स को टेम्परेली किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, देना बैंक के, ताकि देना बैंक इसकी वसूली बराबर कर सके, ये करना अलाउड है। अब बताओ क्या लॉ लिखा था, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी रिलायंस की ट्रांसफर करके देना के बैंक में, देना बैंक में, पर पर्पस क्या था, जस्ट टू कलेक्शन द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, अगर ऐसा होगा तो ये अलाउड है। अभी तक दो एक्सेप्शन देखे हमने, अंडरलाइन करो, अब आपकी बुक में लिखा नहीं है, कहीं तो लिखा होगा, देखो डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ तो लिखा होगा फर्स्ट पॉइंट में, है क्या डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ, है ना, अलाउड है। आगे सेकंड देखना, इधर देखो, इधर इधर, अरे इधर देखो भाई, अरे देखो रे भाई, ये लेफ्ट वाली कौन है, रिलायंस कंपनी है, सारी प्रॉपर्टी रिलायंस के, रिलायंस के नाम पे ही होना चाहिए, पर हो सकता है ऐसे रिलायंस के पास कुछ शेयर्स है, बट रिलायंस वॉन्ट्स टू ट्रांसफर और रिलायंस वॉन्ट टू सेल देम आउट, रिलायंस के इसमें डिविडेंड डिबेंचर है, और हो सकता है बॉन्ड्स है, और हो सकता है शेयर्स है जो उनको बेचना है, पर वो बेच नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनसे बेचा नहीं जा रहा है। पर आप बोलेंगे उसको बेचना तो है, तो रिलायंस क्या बोला SBI को, ए SBI सुनना, तो बेच देना यार मेरे शेयर्स, बोले मैं बेच सकता हूँ, पर मैं बेचूंगा तभी जब, देखो मेरा SBI बोल रहा है, हे रिलायंस अगर तुझे शेयर्स बेचना है, रिलायंस के खुद के नहीं बोल रहा हो, वापस बोल रहा हूँ, रिलायंस के पास मेरे को शेयर्स है जो किसी भी, मान लो विप्रो के शेयर्स रिलायंस के पास पड़े हुए, तो विप्रो के शेयर्स रिलायंस से बिक रहे नहीं, या विप्रो के डिबेंचर्स नहीं बिक रहे हैं, किसके, रिलायंस के, किसके लिए, रिलायंस ने लिए, कौन से कंपनी के लिए, विप्रो के लिए, बेचना किसको है, पर रिलायंस से बिक्रे नहीं, कभी होता ना अपना फ्लैट अपने से बिक्रा नहीं, तो अपन बोल रहे हैं ब्रोकर तेरे नाम पे कर ले, तो बेच दे यार। फॉर एग्जाम्पल बहुत लगे, जो मान लो बहुत सारे बच्चे नहीं कि इंडिया से USA रहने जाते, उनका कहता बंगलो पड़ा हुआ इधर, तो क्या बोलते हैं यार, ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, ये ब्रोकर जब भी अच्छा ग्राहक कोई लगेगा, अच्छा कस्टमर लगेगा, उसको बेच देना, ऐसा बहुत लोग करते हैं अपने फ्लैट्स के लिए, तो कोई भी वो फ्लैट देखने आते तो वो थोड़े ना USA से बताने के लिए आएंगे यार, तो ब्रोकर बोलेंगे देखो अथॉरिटी तू अच्छा डील मिल गए, ये मेरा बजट है उसमें आया तो भेजा, तो टेम्पररी ट्रांसफर है ये, वैसा ही कैसे, रिलायंस वांटेड टू सेल देम आउट बट रिलायंस इज नॉट एबल टू डू इट, तो रिलायंस हैज टेम्पररी ट्रांसफर दो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ व्हाट, SBI, ये अलाउड है। शेयर्स किसके है, रिलायंस के, प्रॉपर्टी किसके है, रिलायंस की, तो रिलायंस के नाम पे होना चाहिए, पर रिलायंस ने प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर दी, अरे बोलो ना, पर ये SBI का भी काम है, SBI ने 6 महीने के अंदर इसको बेच देना चाहिए, नहीं बेचा तो वापस से इज्जत से ले लेना चाहिए, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने दिनों में सेल करना चाहिए SBI ने, मतलब ट्रांसफर शुड नॉट रिमेन वैलिड आफ्टर 6 मंथ्स,
मतलब अपनी संपत्ति अपने शेयर्स किसको बेचने दिए है तो 6 महीने के अंदर तो बेच देना चाहिए, उसके बाद में देंगे तो अलाउड नहीं। अब मान लो SBI ने 6 महीने तो बेच नहीं, दो ले लो वापस, समझ गया। मतलब 3 एक्सेप्शन कौन से कौन से? नंबर 1, 7 की पूर्तता करने के लिए आप दूसरों के नाम पे शेयर्स कर सकते हो। दूसरी बात, डिबेंचर और डिबेंचर का इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए बैंक को ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरी बात, सेल करने के हेतु हम सिक्योरिटीज को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ही देख लो क्या लिखा है। ये रिलायंस कंपनी है, डिपॉजिट ट्रांसफर पर्पस सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, समझा गया। इन्होंने ICICI बैंक से लोन लिया, ICICI बैंक बोलती है देखो भाई वी कैन नॉट गिव यू लोन, वी कैन नॉट ऑफर यू लोन अनलेस वी गेट सम रजिस्टर्ड ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज, अरे क्या बोलते उसको हिंदी में, गिरवी, मराठी में गहन। जब तक गिरवी नहीं रखेंगे तब तक देंगे नहीं, तो बताओ प्रॉपर्टी किसकी है, गिरवी किसके पास रखी। और ICICI बैंक ने क्या दिया, लोन लेने हेतु अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाए तो वो अलाउड है। अपना रूल क्या बोल रहा है, मेन सेक्शन, रिलायंस की प्रॉपर्टी रिलायंस के नाम पर है, पर अभी तक रिलायंस की प्रॉपर्टी रिलायंस के नाम पर है क्या, नहीं, किसके नाम पर चली गई, पर मुद्दा लोन लेने का होगा तो ही अलाउड है। 4 एक्सेप्शन बोलो अब तक। नंबर 1, 7 नंबर की पूर्तता करने के लिए कोई और जबरदस्ती शेयर होल्डर्स को देंगे तो अलाउड। दूसरी बात, डिबेंचर्स कलेक्ट करने के लिए आपने दिए होंगे तो अलाउड, लोन लेने के लिए दिए होंगे तो अलाउड, SBI जैसे बैंक को, शेड्यूल बैंक को अगर आपने शेयर्स को बेचने के लिए ट्रांसफर किया तो अलाउड। नेक्स्ट, ये जो है ना खतरनाक है, खतरनाक। अब बता क्या लिखा है जिंदगी में, शेयर्स जो थे ना, आपने कभी डीमैट सुना होगा, पहले जमाने में फिजिकल शेयर्स यूज टू गेट, नाउ डेज वी डोंट गेट फिजिकल शेयर्स, वी गेटिंग व्हाट, डीमैट में, अपने शेयर्स अपने घर पे लेते हैं, डीमैट में क्रेडिट डेबिट होता है, बराबर है। द मोमेंट वी बाय द शेयर्स इट गेट्स क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ डीमैट, आपके पास में डीमैट भी होंगे कई लोगों के पास। अब मुद्दा क्या है, जब वो शेयर आपको मालूम है, जब हम लोग शेयर्स बाय करते हैं ना आजकल, वी डू नॉट बिकम द RO, वी जस्ट बिकम द BO। व्हाट इज RO, रजिस्टर्ड ओनर, मतलब कंपनी के रजिस्टर में हमारा नाम चढ़ता ही नहीं, वी जस्ट बिकम द बेनिफिशियल ओनर्स। डिविडेंड आएगा तो हमको मिलेगा, बेचेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे, बट हु बिकम्स द रजिस्टर्ड ओनर, NSDL। NSDL इज व्हाट, डिपॉजिटरी, NSDL इज अ डिपॉजिटरी। तो क्या करते हैं, मान लो रिलायंस कंपनी ने सारे शेयर्स इशू किए, फॉर एग्जाम्पल, चलो उल्टा बात कर, रिलायंस ने पैसे लगाए विप्रो कंपनी में, बराबर है, तो विप्रो कंपनी से बाय किए तो किसके नाम पे होना चाहिए, रिलायंस के, लॉ तो यही कह रहा है, पर रिलायंस के नाम पे आते ही नहीं। बोले सर हम भी तो शेयर्स परचेस करते, हमारे नाम पे क्या शेयर्स है, बोले है हमारे डिमांड में, वो सिर्फ डिमांड में है, वी आर नॉट द रजिस्टर्ड ओनर, हमको सिर्फ क्या है, बेनिफिशियरी ओनर बनाया जाता है, वो तो रूल है। हु बिकम्स द ओनर, इस पूरे इंडिया में शेयर मार्केट पे बिकने वाला हर शेयर का बाप जो है, मालिक जो है, वो अकेला NSDL है। हम कौन है, बेनिफिट उसको नहीं मिलता, बेनिफिट तो हमको ही मिलेगा, शेयर बिकेंगे तो हमारे खाते में पैसे आएंगे, डिविडेंड आएंगे तो हम क्या है, BO है, हु इज द रजिस्टर्ड ओनर। आप मुझे बताओ लॉ में क्या लिखा है, रिलायंस ने अगर विप्रो जैसी कंपनी के या इन्फोसिस जैसी कंपनी के शेयर्स लिए तो रिलायंस के नाम पे होना चाहिए, पर क्या वास्तविक जीवन में रिलायंस के नाम पे आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, वो किसके नाम पे आ रहे, NSDL के, ये अलाउड है, नहीं समझा। किसके नाम पे होना चाहिए शेयर्स, रिलायंस, रिलायंस के नाम पे है क्या, वो सिर्फ डिमांड में दिख रहे, उसके नाम पे नहीं, उसके नाम किसके नाम पे है, वो NSDL के, तो आप तो ये अलाउड, तो उल्टा हो रहा है, लॉ क्या बोल रहा है, अपने शेयर्स अपने नाम पर, ये अलाउड है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ये टेक्नोलॉजी को मुमकिन करने के लिए किया गया गेम है। अरे रिलायंस की क्या बात कर रहे हो, अपने जैसे आम आदमी भी जब खरीदते हैं, वी नेवर बिकम RO, वी ऑलवेज BO, ठीक है ना, ये तो डीमैट को करने के लिए लाया ना, नहीं तो फिर फिजिकल शेयर्स में कैसे ट्रेडिंग होती। अरे बोल रहे यार, बस ये अलाउड है, समझा, ये सेक्शन खत्म। मतलब 5 एक्सेप्शन कौन से, नंबर 1, देखो कोई होली ओन्ड कंपनी है, उसमें शेयर्स, उसमें पैसे लगाए रिलायंस ने, तो उसका एक ही मेंबर बनेगा, तो कम से कम तो 7 होना चाहिए, तो 6 जो और बढ़ाएंगे ना वो अलाउड है। दूसरी बात, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट या शेयर्स के ऊपर का डिविडेंड, वो लेने के लिए अगर रिलायंस कंपनी ने किसी बैंक को बोला भाई तुम मेरे भी ऐप में कलेक्ट कर लेना, अलाउड। तीसरी बात, लोन लेने के हेतु अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो अलाउड। चौथी बात,
अगर रिलायंस से शेयर्स या कोई सिक्योरिटी सेल नहीं हो रही, उन्होंने SBI जैसे बैंक को 6 मंथ्स के लिए ट्रांसफर किया तो वो भी अलाउड। नेक्स्ट एक था ना डिपॉजिटरीज, ये लास्ट वाला क्या था डिपॉजिटरीज? अरे तो यूनिवर्सल एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल है ना, कोई भी आजकल बायर बायर बनता ही नहीं, ही नेवर, कोई भी आप और मैं क्या रिलायंस क्या कोई भी, वी ऑलवेज बिकम व्हाट वी हो, ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 187 इज ओवर, आई विल सी यू टू ब्रेक गाइस, थैंक यू सो मच। अरे उसका बाकी था कुछ, बाकी एक मिनट रुक जा, सी यू मतलब क्या था, इतना चिल्लर सा पॉइंट बाकी है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा। वो क्या बोल रहा है, अब कंपनी ने जो जो पैसे किसी और के नाम पे लगाया ना, उसका रजिस्टर बनाओ, और रजिस्टर का नाम है MBP3, अंडरलाइन करो MBP3। सर क्या रजिस्टर है? भाई जो संपत्ति हमारी है पर हमने किसी और के नाम पे ले रखी है, उसका अलग से रजिस्टर बनाए, ये लॉ है। पता क्यों बना के रखना चाहिए? ताकि कल्चर के मेंबर या शेयर होल्डर पूछेंगे, भाई ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारी होकर हमारे नाम पे नहीं, तो आपके पास में उसका रजिस्टर होना चाहिए। वो दिखता कैसे? ऐसे, इधर देखो, अरे पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो, क्या नाम है इसका सेक्शन का? 187 MBP फॉर्म्स। मिलने हैं मुझसे आई, देख लो भाई क्या लिखा है, MBP3 क्या नाम लिखा है, ये मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, और आगे लिखा ये मेंटेनेंस जो किया है ना, वो जब भी कोई मेंबर इंस्पेक्शन को आएगा ना, उसको दिखा देना, जनरल मीटिंग में भी खोल के रखना, कोई भी मेंबर आएगा तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करना, फोकट में दिखाना, एक्स्ट्रा लेंगे तो 10 रुपए ले लेना। क्या नाम लिखा वैसे? डेट ऑन द बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब काम जब करा था आपने उसके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था। कौन से तारीख को इन्वेस्टमेंट किया आपने, किसके नाम पे? अपने नाम पे नहीं, खरीदा आपने था, मतलब हमने बेनामी किया है, ये 5 बेनामी अलाउड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 5 ट्रांजेक्शन एक्चुअली बेनामी हो गए ना, ये फिर भी अलाउड है। नेम ऑफ द पर्सन डिपॉजिटरी इन हुज नेम, वहां पे डिपॉजिटरी क्यों लिखा, लास्ट सेक्शन के लिए लिखा है, वो लास्ट एक्सेप्शन के लिए डिपॉजिट लिखा, किसके नाम पे हमने रखे हैं, फिर क्यों रखे हैं, क्या रखा है, कौन से तारीख को रखा है, अरे क्या वजह थी, सब लिख के रखो। ऐसा क्या हुआ था, हमने हमारे हमारे नाम पे नहीं रखे, किसी और के नाम पे जाने की क्या जरूरत थी, सब लिख के रखो, ये सारी चीज आपको लिख के रखना है वहां पे। ओके गाइस, देखो क्या लिखा है, बस एक बस 2 मिनट का काम है, ये तो हमने सब पढ़ लिया, क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर इन पर्सुएंस ऑफ व्हाट क्लॉज डी, क्लॉज सबसेक्शन 2, एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड बाय कंपनी आर नॉट हेल्ड, अगर अपने नाम पे नहीं होंगे, द कंपनी शैल मेंटेन व्हाट रजिस्टर विच शैल कंटेन व्हाट, क्या लिखना चाहिए उसमें, पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर व्हाट, किसके लिए, बाय एनी मेंबर और डिवेंचर होल्डर विदाउट एनी चार्ज ड्यूरिंग, कौन सी आवर्स, बोलो रात में देख सकता है क्या सर, रात दिन की बात मत करो, कुछ कुछ धंधे रात में ही चलते हैं, कुछ कुछ धंधे का नेचर बिजनेस आवर्स ही रात का है, बताओ 5-star hotels, BPOs, KPOs, IT कंपनी, रात और दिन शब्दों का इस्तेमाल एग्जामिनेशन मत करना, अपने लिए नॉर्मल लोगों के लिए बिजनेस आवर्स दिन के होते हैं, कुछ लोगों का धंधा रात में ही चालू होता है। अरे आंसर है क्या भाई, मालूम है क्या सोच रहे हैं आप, कुछ लोगों का धंधा रात में चालू, बताओ नहीं, आपको लगता ना कोई भी मगरपट्टा सिटी में घूमो आपको रात को ऐसा लगेगा मेला लग रहा है, वो सारी कंपनी के रात में वो चलते हैं, नई शिफ्ट चालू थे 10 रात को 10 बजे, दे हैव टू सर्व आउटसाइड इंडिया, तो वो सही है। तो ऐसे समय पे अगर मान लो कोई 5-star restaurants है, 5-star hotels है, अगर रात में जाके आप बोलेंगे बताओ भाई हमको देखना है, तो दिखाना पड़ेंगे ये बुक्स, क्योंकि उनका धंधा तो 24/7 का है। 5-star hotel तो तभी बनते ना जब इसका धंधा 5-star hotel के नॉर्म्स में ही है, 24 घंटे चालू रहेगी बिजनेस आवर्स, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, अच्छा ठीक है। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एनी पर्सन इन विच द कंपनी होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 89 रिक्वायर्स डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल, समझा क्या, पूरा डिक्लेरेशन देना चाहिए आखिर क्यों क्या 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 सब कुछ, इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्शन, नहीं पढ़ूंगा मैं क्या कॉन्ट्रोवर्शन है, पहली बात तो अपनी संपत्ति किसी और के नाम पर रखना है कॉन्ट्रोवर्शन, एक्सेप्शन 5 दिए, उन 5 को छोड़ के अगर आपने कुछ नया बनाया तो फिर आपको ये पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट है भाई,
कंपनी शैल बी पनिशेबल फाइन अप टू कितना लिखा है 25,000 से बाप बहुत ही लिमिट दिया रेंज है उसका 25,000 से लेके 25 तक वाह and every officer of the company who is in default imprisonment for term what up to 6 months and which shall not be lesser than what bhai ye yaad kar lena ye padh ke bhi kuch ukhad nahi lenge na aapko yaad hai na mujhe yaad rehta hai itne saalon se padha tha abhi tak yaad nahi hua mujhe padh lena akele mein kyunki usme logic kuch nahi hota sirf naam hota hai ha every company shall from the date of registration maintain register form in mbp3 underline the word mbp3 एंड क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है डेट वाइज द पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स कौन सी जगह पे पैसे लगाए अदर सिक्योरिटीज में लगाए बेनिफिशियली हेल्ड बाय द कंपनी बट विच आर नॉट हेल्ड इन इट्स व्हाट ओन नेम अपने नाम पे नहीं लिया द कंपनी शैल ऑल्सो रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट इट्स ओन नेम आखिर क्यों नहीं किया सब कुछ लिखेगा द कंपनी शैल ऑल्सो रिकॉर्ड वेदर सच इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन थर्ड पार्टीज नेम फॉर द टाइम बीइंग और अदरवाइज मतलब थोड़े दिन के लिए क्या है क्या बहुत सालों के लिए क्या वो सब कुछ लिखना चाहिए द रजिस्टर शैल मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत अच्छी बात है अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का ऑफिस कहाँ पे मुंबई में तो मुंबई के ऑफिस में इनका मेंटेन होना चाहिए द रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली हमेशा रहना चाहिए शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ CS और CS कहाँ पे आएगा 203 में और 203 का CS अगर नहीं होगा तो 209 का CS एनी डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जो अपॉइंट किया होगा बोर्ड ने ये रजिस्टर की वैल्यू है उसको कहीं तो संभाल करके संभाल काम CS करेगा और CS नहीं तो बोर्ड करेगा द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर पर्सन समझा क्या बच्चों मतलब उसके अंदर का लिखा हुआ हर पन्ना CS के सिग्नेचर से होना चाहिए मतलब नो एरा पर्सन कैन एंटर एनी डेटा तो जब भी कुछ होगा जो अच्छा लिखना क्या है 5 एक्सेप्शंस जो है उसमें से कुछ पैसे लगाए तो लिखना है वैसे 5 के अलावा कुछ और पैसे लगाए तो वो अलाउड ही नहीं है वैसे उठाएंगे गवर्नमेंट आपको बोले लिख के चलेगा क्या 5 के अलावा कोई छठा आइटम है ना तो लिख के भी कुछ काम नहीं होना वो तो वैसी वायोलेशन है लिखने से क्या कर लेंगे आई सी यू टू ब्रेक थैंक यू सो मच Welcome back. So we are moving on section number 189, right? Sir, 188 नहीं हुआ. मालूम है मुझे बाद में करेंगे. 189 पे आओ. इसका कुछ नाम लिखा है इन्होंने यहाँ पे.
Can you see 189? बोलना है मुझे, बोलना चाहता हूं। देखो क्या है ना, ये सेक्शन में लिखा है रजिस्टर मेंटेन करो ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, है ना। ऐसा कहीं हमने पहले पढ़ा हुआ है जिसका नाम है 184। इस सेक्शन के दो पापा है, एक 184, एक 188, ये उनका बच्चा है। क्या बोला आपने, ऐसे ऐसे कैसे बोला आपने? ये है 189, 184, 188 मिला के बन गया 189। अब देखो इसमें क्या है ना, 184 में 184 1 भी है, 184 2 भी है, सेक्शन 188 भी है। ये पे कहता है डायरेक्टर कहीं भी कंसर्न होगा और इंटरेस्टेड होगा। अरे 184 1, चाहे वो कंसर्न है इंटरेस्टेड है कहीं भी, मतलब ऐसा कुछ, सिर्फ उसका अगर कोई कंसर्न इंटरेस्ट भी तो वो डिस्कस कर देगा, भाई देखो जैसे वो अपॉइंट होगा 30 दिनों के अंदर बोल देगा कि भाई इतने इतने कंपनी के साथ में मेरा ये चक्कर है, बाकी इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा बात की बात, ठीक है ना। ओके 184 2 टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आज जो मीटिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें से मैं कहाँ कहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। और जैसे आज हमने देखा प्राइवेट पब्लिक में है, उसका 2% से ज़्यादा स्टेक होगा, उसका उसके परिवार का बाकी डायरेक्टर का सबका मिला गया 2% से ज़्यादा। और दूसरी कंपनी अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी है बोलो ना, और वहाँ का प्रमोटर है मैनेजर है सीईओ, तो वो बोलेगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और पार्टनरशिप में पार्टनर है और एचयूएफ में मेंबर है तो क्या बोलेगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कब बोलेगा, 184 2 में बोलेगा है? यहाँ पे बोलेंगे तो कंसर्न भी है या फिर क्या है, उसका इंटरेस्ट भी है। और यहाँ पे लिखा क्या है, कंसर्न इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, कंसर्न इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई बोलो ना अरेंजमेंट हुई हो जिसमें वो बोलो प्राइवेट पब्लिक में 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, या फिर इनका वो प्रमोटर चाहिए या फिर उसका सीईओ चाहिए। ये है प्राइवेट पब्लिक के लिए, पार्टनरशिप फर्म में उसका पार्टनर रहा तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एचएफ में अगर वो मेंबर है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। अरे बोलो ना, ये कब बोलेगा वो, 30 days ऑफ किसके, तुम पहले सुनो फिर लिखने का वक्त पूरा देंगे आपको। सवाल उठ रहा है, ये बोला है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, ये बोलेगा 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 मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। वो डायरेक्टर बोलेगा मैं इंटरेस्टेड हूं, वो डायरेक्टर बोलेगा इन इन कंपनी में मेरा कंसर्न है, वो डायरेक्टर बोलेगा इसमें इसमें मेरा कंसर्न है, 15 डायरेक्टर अलग अलग रिश्ते बताएंगे। जो सुनने वाला आदमी हौला हो जाएगा भाई, वो उसमें उसके संबंध उसके हाथ में न जाने किसके किसके हाथ में क्या संबंध है। कंसर्न मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके से तुम उसमें अपने आप को, कंसर्न इज वेरी ब्रॉड टर्म, किसी भी तरीके से उसके ऊपर हुआ कुछ भी आपको अफेक्ट कर सकता है, उसका कोई लॉ में डेफिनेशन नहीं दिया, मतलब लॉ मेकर ने कंसर्न शब्द को आपके ऊपर छोड़ दिया, अब तुम दिमाग लगाते रहो। उसने लिखा कंसर्न इंटरेस्ट, यानी कि वो इतना उसको ब्रॉड करना चाहता था कि उसने डेफिनेशन ही नहीं लिखा, इसमें उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया बहुत, इतना इतना तो ही, ये रेस्ट्रिक्टेड है बहुत, इसके ऊपर होगा तो ही। कंसर्न इंटरेस्ट मतलब
छोटा मोटा भी अगर उसको कुछ हो रहा है, तुम्हें अफेक्ट हो रहा है, तो तुम कंसर्न हो। अच्छा सुनो, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं कंसर्न हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं 184 में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट है, 15 डायरेक्टर ने अलग रिश्ते बताए, न जाने सबने पता नहीं क्या क्या बोला। सुनने वाला आदमी हौला बन गया, इसलिए बोले सुनने वाले आदमी बोले, तो सुन मत, दिमाग में मत रख, 189 का इस्तेमाल कर, रजिस्टर बना ले। तब आज के आदमी जिसको जिसको जो जो बोलना है वो शब्दों में नहीं बोलेगा, लिख कर देगा, और लिखा हुआ एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ये 189 कर रहा है। तो यहाँ पे बोली चीजों का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इतनी चीजें होने वाली है, एक एक आदमी का 50-50 कंपनी में कंसर्न है, नहीं समझ रहे, सारे कंसर्न याद कैसे रहेंगे भाई, उसको कहीं तो लिखना पड़ेगा। इसलिए 189 को पैदा किया, बोले नाम में लिखा, रजिस्टर बना के रखो, क्या नाम उस रजिस्टर का अंडरलाइन करो, क्या नाम इस रजिस्टर का, अरे भाई रजिस्टर का नाम क्या है, नहीं नहीं नहीं, आई मीन टू से उसका नंबर क्या है, MVP कहाँ है, ऊपर है, MVP 4 है क्या, आओ इधर देखो, MVP 4, इधर देखो, सभी लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे, ये MVP 4 मैंने आपको 184 में भी दिखाया था, तो आप कहेंगे सर 184 इसका कनेक्शन क्या है, 184 ने ऑलरेडी अगर ये बातें कवर की तो 189 में क्या, 184 बोलता है सिर्फ इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर, 189 बोले कुछ ने इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया तो लिख के तो रख, नहीं क्या होगा सिर्फ बोलने से, तो 189 बोलता है लिख के रखो, एक रजिस्टर बनाओ और रजिस्टर सबके लिए खुला रखो, ताकि सारे लोग ऑफिस आवर्स के दौरान, बिजनेस आवर्स के दौरान आएंगे, उसको चेक करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान भी उसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन कर दो, ताकि लोगों को समझे कि अपने कंपनी के जो लोग डायरेक्टर है उनके कौन से जगह पे कंसर्न है, कौन सी जगह पे वो इंटरेस्टेड है, समझ में आ रहा है कि है ना, MB4 ये तो क्या लिखा है। पर आप जब MB4 देखते हो ना, उसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी अजीब लगती है, 188 को और 184 को साथ में लिखा, 188 को और 184 सबसेक्शन 2 को साथ में लिखा, और 184(1) को अलग लिखा, चला ऐसा क्यों किया। 184 में सिर्फ इंटरेस्ट और कंसर्न है, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं भाई, ये कंपनी है, इसमें मेरा बेटा जो डायरेक्टर है, मैंने आपका काम है ने बोल दिया, अब उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा रिलायंस का मुझे मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा देखो ये विप्रो कंपनी में मेरा बेटा डायरेक्टर काम कर रहा है, मैंने आपको सिर्फ सूचित किया, मुझे मालूम है आपका विप्रो से कभी जिंदगी भर काम नहीं पड़ेगा, पर मेरा काम है आपको सूचित करेंगे। 184 टू का वो लगता है कि जिस कंपनी के साथ में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, पर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला ज़रूर है, और उसमें अगर मेरा कोई रिलेशन है तो मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो 184 टू में बहुत छोटी सी चीज़ें डिस्क्लोज होती है कि कंपनी का जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उसमें मेरा अगर ये ऐसा ऐसा है तो ही मैं डिस्क्लोज करूँगा। 184 मन में तो मैं मन में कुछ रखता ही नहीं, सब बोल देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज तक, इसके बाद में मेरा वो है, मैं वो पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ, इसमें मैं मेंबर हूँ, इसमें मेरा बेटा है, इसमें मेरी बेटी ये काम करती है, इसमें मेरी वाइफ ये करती है, इसमें मैं वो हूँ, ये मेरे प्रमोटर के दोस्त हूँ मैं, कुछ भी हो जो आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं इसके इंटरेस्ट को इनको पता होना चाहिए मेरे बारे में, कल चेक इनको सरप्राइज नहीं लाना चाहिए ऐसा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, बराबर है। तो 184(1) अलग क्यों है, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, इसलिए इस पूरे अमाउंट में ये पूरे 5 कॉलम में कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वर्ड दिखता नहीं है। अरे देखो ना, हाँ, पर जब मैं इसकी 184(2) की बात करता हूँ और 188 की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, ऊपर बोल रहे भी नहीं, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड है। पर आप कहेंगे सर ये तो समझ गया, 188 क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसका मतलब वो भी ट्रांजैक्शन के बारे में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नाम मिलेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब साल भर के अंदर डायरेक्टर्स ने उनके रिश्तेदारों के साथ में कौन से ट्रांजैक्शंस किए, समझा, पर ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसलिए वो और 184(2) बोलो ना एक साथ में लिखे जाते। डू यू अंडरस्टैंड दिस, अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बोल दो। मैं एक बात पूछूं आपसे, 188 का मतलब क्या हो रहा है, मैं पढ़ाना बाकी, थोड़ा सा ज्ञान देने दो बस, रिलेटेड पार्टी और ट्रांजैक्शन, 188 सेक्शन गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिलेटेड पार्टी और उनके साथ में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं,
to related parties. For example, my director, to my relatives, my Mukesh Ambani, Akash, is becoming my related party. और रिलायंस कंपनी आकाश के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है. मैं रिलायंस को मुकेश अंबानी में डायरेक्टर हूँ. रिलायंस ने एक ट्रांजैक्शन किया, वो आकाश अंबानी से रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं. आकाश अंबानी इज अ डिफरेंट एंटिटी, पर ऑल्दो इज अ डिफरेंट, पर वो मेरा रिलेटिव है. सो इट इज बिकमिंग अ रिलेटेड पार्टी फ्रॉम द रिलायंस पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे ना, ट्रांजैक्शन कर रहे ना यहाँ पे लिखने का. बोले सर ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर के बहुत सारे कुछ होंगे, सब लिखने का. मुझे बता क्या लिखने का उद्देश्य है. साल भर में ट्रांजैक्शन होते हैं. जनरल मीटिंग में मेंबर एक बार आता है, उसको देखने मिले साल भर में. हमारे पीठ पीछे इन्होंने अपने भाई के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी जिसको हम लोग रिलेटेड पार्टी बोलते हैं सेक्शन नंबर 276 में, उनके साथ में कौन से व्यवहार ट्रांजैक्शंस किए, ताकि उनको सब चीज़ें समझे. कहीं ऐसा तो नहीं रिलेटेड पार्टी को सस्ते में बेचते हैं, कि ऐसा तो नहीं अपना समझ के कुछ गलत चार्ज करते हैं. समझ गए ये बात किसको बताना चाहिए. इसने 189 में बोला है उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए. दैट्स ऑल, सेक्शन ओवर. रही बात, इसमें तीन बातें होना चाहिए ये आपके सामने. कौन सी तीन बातें, देखो इसमें 184(1) भी तो आएगा, 184(2) भी आएगा, और इसमें 188 भी आएंगे. समझ गए क्या आएगा. ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसके साथ में हुए, रिलेटेड पार्टी के साथ में होना चाहिए कुछ ट्रांजैक्शंस, तो उसका नोटिंग भी यहाँ पे आना चाहिए. अब रही बात, मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट नजर आएंगे और यहाँ पे भी आपको कुछ अरेंजमेंट नजर आएंगी रिलेटेड पार्टीज के साथ में. इसलिए जब वो फॉर्म बनाया गया है तो इन दोनों चीज़ों को एक क्लब करके लिखा है. मैंने आपको अभी फॉर्म बताया था. अरे कुछ बोलो. अरे क्या ना, 184(2) को साथ में लिखा है, 184(1) को नहीं लिखा है. बिकॉज 184(1) में तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, पर इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए उसको साथ में लिखा, इसको अलग लिखा है ना. अंडरस्टूड. सेक्शन खत्म हो गया, इससे मुझे पढ़ना बाकी है. MBP 4 भी मैंने आपको दिखा दी, ये पढ़ो, लिखो, आपको लिखना है. ये लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ये 189 क्या बोल रहे, मेंटेन किसका, क्या बोल रहे 189 रजिस्टर, क्या नाम इसका, MBP 4. क्या हो तुझे, तू बता रहा है कि पूछ रहा, MB4 बना था क्या है. अच्छा ठीक है, बोलता हूँ. चलो भाई खत्म करो. हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर बगीचा इतना बेदाग क्यों. हाँ? नहीं नहीं, क्या बात है विद्या. बालन, चंदी लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने. तो जानते ही है, सीरियल किलर को मात देती. इमरान हाशमी, यू ओके, आंख में कुछ चला गया नहीं है. बहुत दर्द है भाई जीने में. मुझे बस बस भाई, पहले जिंदगी में दर्द और है, ऐसा स्टाइपेंड नहीं मिल रहा हमको. तू सफर मेरा है, तू ही मेरा. कुछ दो तीन दिन से तो कुछ नई खबर बोली नहीं तुमने, तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ.
क्या हुआ, एक दो दिन में कुछ खास हुआ है? और अरे एक मिनट रुको। हाँ बोल बोल बेटा बोल। घर पे? ओहो हो, अत्याचार की सीमाएं बढ़ रही हैं। सैलरी 1800 रुपए मिल रही और 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। मजा आ रहा है बेटा, जिंदगी है, बेस्ट है बेस्ट। आप भी आपके आर्टिकल के साथ में ऐसा मत करना। तू ही दुआ में शामिल हो गया क्या भाई? डन। चलो भाई, ओके गाइस वेलकम बैक। ये रहा आपके सामने, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या लिखा है यहां पे? सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स इट मैंडेटोरी फॉर ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट पब्लिक टू कीप वन और मोर रजिस्टर गिविंग सेपरेटली द पर्टिकुलर्स ऑफ। ओ माय गॉड, क्या लिख दिया है ये? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट लिखा है। 184.1 का तो जिक्र ही नहीं किया है, इसलिए आपको 184 थोड़ा नीचे ले जाएंगे। आ जाओ यहां पे लिखेंगे डिस्क्लोजर। आगे किधर? इधर 184 का जिक्र हुआ है, अंडरलाइन करो दोनों जगह पे। एक दो पैराग्राफ छोड़ के 184.1 भी दिख जाएगा है क्या? अरे है क्या? पर आप बोलेंगे इनको साथ में क्यों लिख रहे? बिकॉज यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वर्ड था और कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वर्ड दो सेक्शन में कॉमन है, 184.2 एंड 188। द रजिस्टर साइन The register shall be prepared in a such manner and containing such particulars as may be prescribed. ठीक है, as may be prescribed बोलो कैसा? Register ऐसा बनाना चाहिए जैसा prescribe किया हुआ। Prescribe करते करने वाले ने क्या लिखा? MBP4 जैसा चाहिए। और MBP4 तो मैंने आपको दिखा दिया है। अरे आप बोलेंगे सर वो तो एक पेज है, टुकड़ा है। ए भाई, ये सारे पेजेस का नीचे से झेरोक लेने का, एक में से उसका स्पाइरल बनाने का, वो बन जाएगा आपका रजिस्टर। अब वो क्या अलग से कुछ उसको कुछ फ्रेमिंग करेगा? रजिस्टर मतलब क्या, क्या कल्पना है आपके दिमाग में? क्या रजिस्टर मतलब क्या सोचते हो? क्या होगा वो? कुछ नहीं होगा, ये पन्ने होंगे, उसका 200-300 पेज का जेरोक्स निकलेगा, उसको स्पाइरल करेंगे, वो बन गया आपका रजिस्टर। और क्या उसमें क्या प्राप्ति चाहिए उसको? यहां फोटोज के साथ में होना चाहिए, शौकीन है तो फोटोज है उसको रजिस्टर में। After entering the particulars, the duly filed and updated register. और register shall be placed before what? Come on, tell me. बताओ भाई meeting के सामने क्यों रखे? मैंने आपको कहा ना साल भर में आपने क्या किया अपने रिश्तेदारों के साथ, I mean to say, related parties के साथ में कौन से उनसे transactions किए, आपने अपने concern वालों के साथ में क्या किया, उसका ब्यौरा आपके company के shareholder को होना चाहिए। अगर ऐसा register नहीं बनता तो shareholder को कैसे मालूम चलता इन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ में क्या क्या किया है? And next meeting, क्या लिख रहा है? Register shall be placed before what? Next meeting of the board, आगे वो भी आएगा, and signed by all the directors of present at the meeting. अब सवाल उठ रहा है, पहली बात तो सर ये, आप तो shareholder की बात करें तो board की बात, वो क्या कर रहा है? पहली बात तो क्या होता है, एक board meeting से दूसरे board meeting के बीच में अगर कोई transaction हुआ होगा, पहली board meeting हुई उसमें एक transaction 10 हुए थे, अगली board meeting के बीच में और दो transaction हुए related party वाले, अरे बोलो ना कुछ दो का ट्रक और है, बोलो सही और क्या? हाँ तो क्या? तो सर वो तो अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट कर लो ना। अपडेट किसने किया? सीएस ने किया। पर वो दो ट्रांजैक्शन जो सीएस ने उसके अंदर डाले है ना, उसका सब्सिक्वेंट अप्रूवल अगले बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए कि जो दो ट्रांजैक्शन घुसेर दिए ना वो बराबर है कि नहीं। यार सही बोल रहा ना, लिखा है ना, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट, सब डायरेक्टर्स ने अप्रूव करना चाहिए। हाँ भाई, दो ट्रांजैक्शन जो है बराबर लिखे। ट्रांजैक्शन एक जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उस दिन होते हैं कि अलग अलग दिन भी और भी हो सकते हैं? अब रिलेटेड आकाश अंबानी ने जो ट्रांजैक्शन किया है वो पहले बोर्ड मीटिंग के बाद और दूसरे बोर्ड मीटिंग से पहले किया है, तब क्या करेंगे उसको? सर वो नहीं मीटिंग में एंटर नहीं करेंगे, एंटर तो पहले ही हो जाएगा, सिर्फ बाद में अप्रूवल होगा उस रजिस्टर पे।
इसलिए वो क्रोनोलॉजी के लिखते हैं. क्यों मालूम है? वो जो नया पेज बीच में मत घुसे देना स्पाइरल के, स्पाइरल खोल के बीच में डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? सोच के जवाब दो. क्रोनोलॉजिकली मतलब वो बोलेंगे पिछले बोर्ड मीटिंग डेट थी 31 मार्च, उसके बाद में अप्रैल मई जून में जो है ना दिखाओ. अगर आपने मई को ऊपर ऊपर घुसेड़ दिया, उधर जून में डाल दिया, तो उनको समझेगा नहीं बेचारों को नए ट्रांजेक्शन कौन से थे और पुराने कौन से थे. जान दो किसके क्या. कोई बात नहीं, नहीं समझा तो क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, बाकी समझे ना समझे. जो पहले तो पहले होगा, जो बाद में तो बाद में होगा. सिंपल. कौन से फॉर्म में होना चाहिए भाई? MBP4. बस खत्म हो गया. आगे बोलो. डिस्क्लोजर क्या बोल रहे हैं? Every director and KMP shall within a period of 30 days of his appointment. Oh. Or relinquishment of his office as the case may be disclosed. Relinquishment मतलब छोड़ने के बाद भी उसने inform करना चाहिए. As the case may be disclosed to the company the particular specified in section 184(1) जहाँ पे वो अपने interest है और concern है, ऐसा disclose करता है कितने दिनों के अंदर? 30, 30, 30, क्या 30? अपॉइंटमेंट आज हुआ तो 30 दिन के अंदर बोलेंगे मेरा यहाँ पे कंसर्न है, यहाँ पे इंटरेस्ट है. ठीक है ना? आगे वो बोलेगा, लिखेंगे कहाँ पे? अरे वो बोले तो सब बोल देंगे. वो कहाँ लिखेंगे? MBP 4 में. तो हिज कंसर्न, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट वर्ड नहीं आया. क्या आया वर्ड? उसका इंटरेस्ट कंसर्न है. इन अदर एसोसिएशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड इन द रजिस्टर अंडर सबसेक्शन और सच अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिमसेल्फ एज मे बी रिस्क. समझा क्या है गाइस? कम ऑन, टेल मी. तो बताओ भाई, तीन चीजें आना चाहिए. 184, 1, 2, 188. तीन चीजों का समावेश किया जाएगा इसमें. कहाँ पे? 89 के MBP 4 में. रजिस्टर टू बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस. बहुत अच्छा बोला है. अंडरलाइन द वर्ड रजिस्टर ऑफिस. नाम तो सुना होगा. और क्या बोल रहे हैं? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. आपको पता नहीं है वही वही चीजें छपरी हुई बोले रजिस्टर बनेगा. अरे भाई, दुनिया का कोई भी रजिस्टर बनाया क्या? अंदर रखने के लिए सीक्रेट बुक नहीं हो. और बनाइए ताकि शेयर होल्डर्स को जब भी आए तब दिखे. हाँ बोलो, आगे बोलो. एक्सट्रैक्ट में भी टेकन, मतलब उसका समरी बना सकते हैं आप और कॉपीज भी ले सकते हो. जेरोक्स. एक्सट्रैक्ट और कॉपी में फर्क समझता है क्या? एक्सट्रैक्ट मतलब बैठ के मैंने समरी बनाया, समरी नोट्स. और जेरोक्स कॉपी मतलब नहीं होता, डायरेक्ट जेरोक्स मशीन में डाल के जेरोक्स लिए. क्या होता है? फोटो कॉपी. देयर ऑफ एज मे बी रिक्वायर्ड बाई एनी अदर मेंबर शैल बी फर्निश्ड बाई कंपनी इन टू सच एक्सटेंट इन सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस. अरे चिंदीगिरी की हद हो गई यार. और नीचे लिखा है रूल में, पैसे ले, पैसे लेवे पर 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले. एक कॉपी के, वो भी मैक्सिमम 10. सो 60 पैसे में होता है. यहां लिखा है मैक्सिमम, हो सकता कलर दूंगा 10 रुपए लिख के रखे. मुझे बता, आपको लगता नहीं कभी ऐसा यू फील रियली यू नो ऑकवर्ड लगता है? क्या बोल रहे हैं? क्या लेवल है हमारे? क्या पड़ रहा है? 10 रुपए. रजिस्टर टू बी प्रोड्यूस एट AGM. भाई और बहनों, रजिस्टर जो MBP 4 में बना है उसका प्रोडक्शन, उसको अवेलेबिलिटी ना कि सिर्फ रजिस्टर ऑफिस में, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए. हर कोई मेंबर जरूरी नहीं है कि वो मुंबई में जाके ऑफिस में जाके देखिए. कभी कभी कुछ लोग होते साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं. कब आते हैं? तो AGM के दिन तो पहले. एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मान लो AGM किसी और जगह पे है, रजिस्टर ऑफिस में नहीं है, पर आपने तो बोला रजिस्टर ऑफिस में होना चाहिए. AGM के लिए एक्सेप्शन दिया है. अगर AGM की और है तो उतने समय के लिए वो रजिस्टर उठाने के उधर लेके जाने के, सुरक्षित जगह पे रखे, मेक श्योर वापस भी आ रहा है. लॉस इन ट्रांसिट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. मीटिंग के दौरान वो ओपन रहे, एक्सेसिबल ड्यूरिंग कंटिन्यूस ऑफ द मीटिंग टू एनी पर्सन हैविंग द राइट टू अटेंड मीटिंग. राइट टू अटेंड मीटिंग मतलब क्या? प्रॉक्सी को भी दिखना चाहिए. इवन प्रॉक्सी हैज अ राइट टू. एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट फॉर द सेल. ओ बहुत ही भारी लिखा, 5 लाख से जो नीचे जो है वो ट्रांजेक्शन को आपको नीचे उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है. 184(2) में और 188 में अगर मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी के साथ में रिलायंस ने कोई ट्रांजैक्शन जरूर किया हो पर जिसकी कीमत 1,11,111 रुपये, तो आप बताएंगे 5 लाख से कम है ज़्यादा है? अरे सोचते क्या हो? और उसके लिए कैलसी की कोई ज़रूरत नहीं. बोलो जल्दी से, ये अमाउंट 5 लाख से कम है, आप जल्दी से बताओ. हाँ तो क्या?
उसको लिखे नहीं, रजिस्टर में मेंटेन करने की जरूरत, बाय बैंकिंग कंपनी फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल्स इन द ऑर्डिनर, ठीक है, कल बिल का कलेक्शन होता है, बिल डिस्काउंटिंग चैप्टर पढ़ते आप, अगर उस टाइप का कुछ हुआ होगा तो क्या करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, पेनल्टी लगाइए, ठीक है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पे लिखा है देखो, और एक कुछ नोटिफिकेशन आया, पढ़ो भाई, 5 जून 2015 को नया नोटिफिकेशन, 184(2) शैल अप्लाई ओनली इफ द ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस टू सेक्शन 188 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एक्सेस 1 लाख रुपीज। किसके लिए लाए सेक्शन, अरे लिखा है ऊपर 5 लाख पकड़े या 1 लाख पकड़े, सेक्शन 8 के लिए 1 लाख, अन्य कंपनी के लिए 5 लाख, क्या 1 लाख, अगर छोटे छोटे जो अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, और वहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर हो रहा होगा तो वो भी रजिस्टर में आना चाहिए, अन्य कंपनी के लिए 5 लाख रुपये। सेक्शन समझा गया भाई, आज हमने कौन सा सेक्शन देखा, 176 देखा, 186 का वन पार्ट देख लिया हमने, फिर हमने 187 देखा ब्रेक से पहले, एक कंपनी ने अपना बेनामी नहीं करना चाहिए, 189 और 190 करेंगे, बहुत ही सिंपल छोटा सा। साइज देखो, साइज देखो, साइज तो देखो 4 लाइन खत्म हो जाएगा आंसर। कुछ सेक्शंस करने में बड़ा मजा आता है, कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद MDWTD, मैं चाहूंगा आप इसके लिए रेफर करें सेक्शन नंबर 170 को, 170 190, 190, चलो क्या लिखा है 171 में, 170 और 171 में डायरेक्टर्स KMP के कितने, कौन से कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग में, सब्सिडरी में, कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग है उसका डेटा मेंटेन होना चाहिए, ऐसा कहाँ पे लिखा है, क्या मेंटेन होना चाहिए कि एक हमारी कंपनी के जितने KMPs और डायरेक्टर्स है उन्होंने हमारी कंपनी के अंदर या होल्डिंग के अंदर सब्सिडी के अंदर कितना शेयर होल्डिंग क्या है, सिक्योरिटी क्या, वो लिखना जरूरी है, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। और 171 में कहा था जो रजिस्टर मेंटेन हुआ है उसको 171 में देखने का अधिकार होगा, अरे बोल रहे नहीं आप, तो व्हाट इज 190, क्या चल रहा है ये वापस, अभी ये भी रजिस्टर जैसा ही है। अभी देखो भाई, हमने जिन बंदों को अपॉइंट किया है सेक्शन नंबर 160 में, नहीं समझ रहे, कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट विथ व्हाट, मैनेजिंग एंड WTD, बहुत ही दो तीन लोग मैनेजर एंड WTD। अब इन बंदों को भाई डायरेक्टर बनाया हमने 160 में, फिर 196 में हमने इनको अपॉइंटमेंट कर लिया एज ए MD बाय पासिंग BR NOR, और शेड्यूल 5 की कंडीशन फॉलो नहीं, तो हमने CG को भी अप्रूव ले दिया, तो ये बंदे गलती से WTD MD बन गए। 196 से लेकर 203 तक के सेक्शन है सिर्फ MD WTD और मैनेजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उनको अगर आपने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, ऐसा बड़ा व्यक्ति जो है, आपको पता नहीं एग्जीक्यूटिव की इज्जत ज़्यादा है नॉन एग्जीक्यूटिव से, इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव की बात नहीं करी, आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ में कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनकी सैलरी क्या है, उनका बोनस, उनका रेमुनेशन क्या है, वो क्या क्या काम करेंगे, उनके स्कोप ऑफ वर्क में क्या होगा, क्या नहीं काम करेंगे, उनकी पावर्स क्या, उनकी ड्यूटीज क्या, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है व्हेन ही इज गेटिंग एंट्री। वो तो कोई भी छोटी कंपनी में भी काम करने जाओगे ना आप, फॉर एग्जांपल कोई CA फर्म में आप पार्टनर बनो कल, तो पूरा 2-4 पेज का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करोगे, पार्टनरशिप फर्म के कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी दिखे नहीं है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होते, अभी खैर आपका आर्टिकलशिप के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं होगा, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, बेस्ट आपके लिए बनाया है ये, आप जैसे आर्टिकल्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है चिंटी,
तो MDWDD का क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या आपका भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था? क्या उसमें भी कुछ डिस्काउंट था? ओहो हो सिंठी, पर आपको याद है आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ था, ऐसा कोई साइन, ऐसा क्या आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? उसका फाइल मेंटेन किया है कुछ? आप ये प्रूव कर सकते हो आप उनके रजिस्टर्ड आर्टिकल हो? आपके पास कोई प्रूफ है आप आर्टिकलशिप कर रहे हो? रखना जरूर, नहीं तो ICA बोलेंगे आर्टिकलशिप की क्या नहीं की। स्टैम्प पेपर पे क्या है? बहुत खूब, स्टैम्प पेपर पे करना पड़ता है। जितने लोग डमी उनको समझ में नहीं आ रहा हूं, डमी वाले भी करते। एक बात हम पूछेंगे, देखो भाई कोई भी बंदे को जब अपॉइंट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, लेट इट बी IT कंपनी और CA फर्म, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कैसे काम करेंगे ना आगे। तो बड़े बड़े लोग जब अपॉइंट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो और भी गहरा है, मतलब बहुत सेंसिटिव ना, बिकॉज आपकी सैलरी करोड़ों की है, काम बड़ा बिजनेस, हजारों करोड़ का बिजनेस है, तो क्या काम करेगा नहीं करेगा, वो कौन से काम, डूज डोंट सब लिखा जाता है उसमें, कि भाई तू ये काम कर सकता है, ये काम नहीं करेगा, ये काम तेरे कवरेज के बाहर है, ये काम ये तेरा ही काम है, तेरा अलावा कोई नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, टेन्योर, इंक्रीमेंट कितने सा, वो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शेयर होल्डर को बताना चाहिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन होना चाहिए। ये सेक्शन यहाँ खत्म हो रहा है, सर क्या बनाना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। अब बताओ शेयर होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिखना चाहिए? शेयर होल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिखना चाहिए, इंस्पेक्शन, द कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द मेमोरेंडम शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर कंपनी विदाउट फीस, मेंबर्स मेंबर्स ओनली मेंबर्स, काय का कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कंपनी शैल मतलब रखना ही पड़ेगा, कीप एट व्हाट रजिस्टर्ड ऑफिस, भाई फाइल होती है ना अपने CFO में, बहुत सारी फाइल होती है ना, अभी आपने कौन सी फाइल बना दी 184/188 की, एक और फाइल लगा देना, उस फाइल में क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कितने MDs अपने, एक MD, WDD कितने, चार, एग्जाम्पल पाँच लोग ही कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दो उसमें, मस्त जेरोक्स मार के उसको एकदम अच्छे से रख दो आप, और वो कभी भी कोई आएगा मेंबर बोलेंगे मुझे देखना है कि तुम मुकेश अंबानी को कितना सैलरी दे रहे, देख सकता हूँ, कौन देख सकता है, मेंबर, पर वो मेंबर मान लो हल्का एक शेयर होल्ड कर रहा है, दिखाएंगे क्या उसको, होल्डिंग ओनली वन शेयर, अरे एक शेयर ₹11 में लिया था उसने, कैन यू एक्सेस, वो कंपनी लोग बोल रहे तो ये बस तो एक ही शेयर है, क्या छपरी लोग, ए बोले छपरी मत बोल, कौन हूँ मैं, बोले शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मत बोल, ओनर हूँ, पार्ट ओनर, और मालिक की अगर इस कंपनी में नहीं चल रही कि तुम जैसे नौकरों की चल रही मतलब इज्जत है भाई, एक एक शेयर होल्डर के आदमी बाप बन जाएगा वहां पे। सी हम लोग ने पढ़ा है वी आर नॉट दी शेयर होल्डर, वी आर दी ओनर्स, कंपनी हमारे, भले ही देखो कितना भी पैसा हो पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है, एक शेयर होल्ड करे या 100 करे है तो पार्टी, एम द पार्ट ओनर, इस तरीके ना मेंबर, वो मेंबर की कोई परिभाषा नहीं, आप बोलना कितने मेंबर, मिनिमम कुछ नहीं, मेंबर माने मेंबर, होल्डिंग वन शेयर हैविंग नेम इन द रजिस्टर इज एलिजिबल टू एक्सेस एनी बुक्स ऑफ, मतलब हर कंपनी का एक शेयर लेकर हुआ चलते फिरते लोगों के रजिस्टर चेक कर सकते हैं आप, वो भी उनके ऑफिस में बैठ के AC लगा के, चाय पानी मिलेगी वो अलग, और वहां पे नाश्ता चलेंगे वो भी मिल जाएगा, राइट है भाई, मजाक नहीं चल रहे, ओनर है, एक शेयर होल्डर 1,00,000 शेयर होल्डर, बात एक ही है, जितनी 1,00,000 वाले को इज्जत मिलेंगी एक को भी यहां पे कोई, हाँ, वेयर कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर WTD इज इन राइटिंग, तो राइटिंग में होगा तो उसका जेरोक्स ला के रख देना वहां पे, कहां पे रजिस्टर नहीं, ताकि कोई भी आएंगे लोग आएंगे तो उनको दिखा देना, और कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग रिटन मेमोरेंडम सेटिंग ऑडिट टर्म्स, अभी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तो MOU होता है, मेमोरेंडम बोलते MOUs एकदम बोलते फ्रैंकिंग वो नहीं होता, पर एक जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ऐसा हमने डिसाइड कर लिया है, देखो कभी कभी रिश्ते इतने स्ट्रांग होते ना तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर एक सिर्फ नाम के लिए कल से झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए आजकल तो लोग क्या करते हैं उसको मेल भेज कर रखते, उधर के सुन महेश मिश्रा मेरे पास, आज लोग क्या करते मेल कर देते, मेल ईमेल पे आता है आजकल, मान लो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है
अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो कहता है कि अगर जितनी इज्जत जो है ना फ्रैंकिंग स्टैम्प को है उतनी इज्जत ईमेल को है। अगर मान लीजिए मैंने ईमेल आपको भेजा और आपने रिप्लाई कर दिया कि मुझे सब मंजूर है, तो वो इट बिकम्स अ वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपके लिए एक अच्छी खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल में समझो फ्रैंकिंग और स्टैम्प की जरूरत नहीं, मतलब ले रहे नहीं है, टाइम ही नहीं मिल रहा, आपको ट्रांजेक्शन जल्दी करना है, तो मेक श्योर आप उसको मेल कर रहे हो और उसे मेल का रिप्लाई कर रहे हैं। तो कल चाहे उसने उस मेल के हिसाब से फॉलो नहीं किया तो ये ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ईमेल की इतनी इज्जत है, ऐसा मत समझना ईमेल पे लिखा क्या उखाड़ लेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट की जितनी इज्जत है ना स्टैम्प और फ्रैंकिंग की उतनी ईमेल की है। तो अब फ्रैंकिंग करना है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई, अपने को फील आता है कि भाई फ्रैंकिंग हुआ है, वो फील आने के लिए, बाकी ईमेल की इज्जत उतनी है। बाकी एनीवेज हम लोग इस समय बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो मेमोरेंडम हो, मेमोरेंडम भाई, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसको देखने का अधिकार है, पर उन्होंने पहले तो उसका कहना चाहिए शाल कीप लिखा, तो ये बोल रहे हैं बनाओ रखो, ये बोल रहा है चेक करो। मतलब वन और टू में कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टू इज डिपेंडेंट ऑन वन, अगर बनाएंगे नहीं तो चेक क्या करेंगे? तीसरी बात पेनल्टी, अगर नहीं दिया तो क्या होगा? क्या यार छोड़ मैं नहीं पढ़ना। एक्सेप्शन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू व्हाट, क्यों ऐसे ही? क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी जो डायरेक्टर है वो खुद ही शेयर होल्डर है, वो खुद का क्या देख लेगा? मैं, मेरी मम्मी और पापा तीनों प्राइवेट कंपनी में, मेंबर भी हामिश है, डायरेक्टर भी हामिश है, आप क्या करेंगे? देखेंगे कौन मैं? देखूंगा किसका? मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सुविधा जो है प्राइवेट कंपनी को उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना? दिस इज डन। ये सेक्शन कितना मस्त मजा आया इसमें, ऐसे सेक्शन बनाना चाहिए, खटाखट करते हैं। बताओ 190 क्या रहे बच्चों? कुछ नहीं, एमडी वन एमडी डब्ल्यूडीडी इनका क्या बनना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बनना नहीं चाहिए, बना तो है जो कीप कर रहा है, कीप मतलब रखो संभालो मेंटेनेंस, एंड या तो फिर एमओयू संभालो, फिर क्या बोला है उसको इंस्पेक्शन करने दो, किसको? कभी भी आके कौन सी जगह पे दिखा ना, बिजनेस आवर्स मेंबर्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफिस, बिजनेस आवर्स कुछ लिखा नहीं है इसमें, पर कह रहे उसको मतलब ही होता है बिजनेस आवर्स, वो लिखा नहीं, पर वो इट इज डीम्ड अज्यूम दैट वो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, और पेनल्टी लगाई है और एक्सेप्शन प्राइवेट कंपनी को दिया। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो है 191 नहीं 192 पे आओ, ऑसम सेक्शन है, ऑसम। आपने कभी वर्ड सुना होगा बार्टर? क्या होता बार्टर का मतलब? क्या हो रहा है? गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स। मैं बोलने की पूरी कोशिश करूंगा, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ध्यान से अभी इस पूरे ट्रांजेक्शन देखना, BMW नाम की कंपनी है और ये जो अंकल है ना ये खड़े हुए, इनका डायरेक्टर है। हाँ क्या है, क्या है बोलो? डायरेक्टर, इज अ डायरेक्टर, लुक्स लाइक अ डायरेक्टर। BMW कंपनी इसको गाड़ी दी, कितने की गई? ये दे रहा कितना वापस? मारुति 800। और उसका ये मानना है ये मेरी गाड़ी जो है ना ये एंटिक पीस है, विंटेज कार है, विंटेज कार। ओवर इसकी वैल्यू 50 लाख की, मेरी आंखों से देखो। मुझे बताओ, बोलते हैं कोई भी बार्टर नहीं चलेगा, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स जो है अगर हमसे माल ले तो माल के बदले रोकड़ा दे, माल के बदले माल ना दे। क्यों? माल की क्या परिभाषा है? वो माल आपके लिए, वो कार छपरी कार 50 लाख की है, मेरे नजर में तो मैं तो 10,000 में मैं तो लू ना उसको, वो किलो से बेचेंगे उसको। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मैं माल दे रहा हूं ना, सपोज मैं कौन हूं BMW और आप डायरेक्टर हो, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? गुड्स दे रहा हूं, गुड्स के बदले मैं रोकड़ा पैसा कैश NFT लूंगा,
उसकी वजह तेरे तो कुछ भी क्या, तो इस सेक्शन का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर ऐसा करना है तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। माल दूंगा पैसे लेंगे, माल दूंगा पैसे लूंगा, क्योंकि माल दूंगा तो पैसों को, पैसों को चल, पैसे 50 लाख ही हो सकते हैं। अभी गाड़ी वो बोल रहा मेरी मारुति 50 लाख, वो बोल रहा ना, वो तो जान बुझे कुछ भी देंगे, नुकसान किसका होगा? इसीलिए कंपनी का नहीं, शेयर होल्डर का, ओनर का। इसे शेयर होल्डर बोला तुम ओआर पास कर लो, देख भाई ये BMW जा रही, ये छपरी आदमी मारुति दे रहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है? अगर उन्होंने ओआर पास कर दिया तो ये मंजूर है, ओआर नहीं पास कर तो फिर ये ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर आदमी क्या करना पड़ेगा, इज्जत से NFT ट्रांसफर करें, समझ गया? उल्टा बोलो तो, मान लो इसने कंपनी को गाड़ी दी, एक कंपनी को बंगलो बेचा, इसने मान लो ये गुरुवारपेट का 1 BHK का फ्लैट बेचा कंपनी, और कंपनी से बंगलो ले रहा है कोरियो पार्क में, लेन 7 बंगलो, तो उसको बोले कैसा है, बोले ये मैं फ्लैट दूंगा आपको तो बंगलो देना, बोले अच्छा, बोले बंगलो कितने का है, बोले 4.5 करोड़ का, बोले मेरा फ्लैट ये तो मैं तुम्हारे लिए 4.5 करोड़ में लगाया हूँ, ये गुरुवारपेट का जो 1 BHK है 4th फ्लोर है विदाउट लिफ्ट है ये जो तुम्हारे लिए करा है, बोले ये 4.5 करोड़ का, बोले ये सिटी का मैटर है और यहाँ पे फ्लैट मिलना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, ऐसा फ्लैट कोई मिलता है नहीं, तो मेरी आंखों से देखो 4.5 करोड़ से कम का नहीं, उसकी आंखें उधर ही रखी है। अगर वो मुझे वो बोल रहा देखो फ्लैट के बदले में घर या फ्लैट के बदले में फ्लैट, वो हमें कुछ बेच रहा है ना, उसके बदले में कंपनी को क्या देंगी आपकी बार, वो बेच रहा है मुझे, क्या बेच रहा है, तो मैं क्या दूंगा उसको, कितने की प्राइस वो लगाए उसकी बाजार की जो प्राइस होंगी उतने दे देंगे उसको, इज इट ओके? मतलब दोनों साइड से भी एप्लीकेबल है, अगर मैं माल बेचूं तो पैसे मिले, वो मुझे माल दे पैसे ले ले। सोचो ना अगर ऐसा क्यों किया है, लोग मिसयूज करेंगे ना सेक्शन को, मतलब उसकी प्राइस की कीमत, उसकी चीज़ की कीमत वो ज़्यादा, मतलब समझो वो मुझे बेच रहा है तो वो बोलेगा मेरी प्राइस की, मेरी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है और जो तुम्हारी चीज़ आ रही ना उसकी कम है, तो वो बोलेंगे ये चक्कर ही मत रखो, तुम गुड्स दे रहे ना बाजार के रेट देखो और उसके हिसाब से पैसे देंगे। हम अगर तुम्हें कुछ BMW देंगे उसी प्राइस कितने 50 लाख, तो मुझे 50 लाख की चीज़ नहीं चाहिए, 50 लाख चाहिए। चीज़ क्या होती है, चीज़ का कोई दाम थोड़ी ना है, चीज़ तो कोई कुछ भी बोल देगा ऐसे। नेक्स्ट आओ, इधर आओ, ओआर पास करना पड़ेगा। एक चीज लिखे ध्यान से सुनना, याद रखना, ये BMW ने अपने डायरेक्टर को नहीं दिया, एच डायरेक्टर ऑफ HMW मतलब होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, एच मतलब होल्ड, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर को दिया। मैं BMW मैंने मेरे डायरेक्टर को नहीं बेचा, मैंने अपने डायरेक्टर को नहीं बेचा, मैंने अपने डायरेक्टर को बेचा होता कार दिया अपने डायरेक्टर को और उसने मुझे कार दिया तो मैं वो हर पास करूंगा, पर मैंने आपकी कार अपने डायरेक्टर को नहीं दिया, मैं BMW हूँ, मैंने जो मेरी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को बेचा है, तो उस केस में भी कार बेचने का प्रॉब्लम नहीं है, कार तो मैं किसको बेच सकता हूँ, उसके लिए और की जरूरत नहीं, कार बेचूंगा बदले में पैसे नहीं आ रहे, उसके बदले में कुछ दे रहा है, कार दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मुझे घर दे रहा है, बेंचेस दे रहा है, वाहियत लैपटॉप दे रहा है कार के बदले में, चीजों के बदले में चीज आ रही है। उस केस में अगर मैं अपने डायरेक्टर को दूंगा तो अपनी कंपनी में और पास होगा, सुन लेना, पर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे रहा हूं ना मैं, तो उस केस में वो मुझे कुछ रिप्लाई में गुड्स दे रहा है, उस केस में मुझे मेरे कंपनी में भी और करना पड़ेगा और होल्डिंग कंपनी में भी और करना पड़ेगा। बताओ मुझे क्यों, मेरी कंपनी को लगता है कि मेरा नुकसान होगा मेरे शेयर होल्डर को, तो मेरे शेयर होल्डर बोलता है चलो ठीक है और, उसकी कंपनी क्या लगता है वो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है वो, बोलो जल्दी से, हाँ, तो उनके उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब सब्सिडरी का नुकसान होगा तो दर तो होल्डिंग को होगा, नहीं समझा? BMW कंपनी है जो कार बेच रही है, होल्डिंग कंपनी को नहीं, होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर को। तो मुझे बताओ अगर ये BMW जो कंपनी जो सब्सिडरी है अगर इसका नुकसान हो जाए तो होल्डिंग कंपनी को भी नुकसान हुआ क्या, कैसे होगा? शेयर होल्डर से ना होल्डिंग कंपनी मेरे इसमें, तो इसलिए ऐसे समय पे पूरा कंक्लूजन सुन लेना,
अपन ने अगर अपने कंपनी को डायरेक्टर को माल देके माल लिया तो अपने ही कंपनी में और। पॉइंट नंबर टू, अपनी कंपनी ने अगर गुड्स दिए अपनी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, उस केस में अपनी कंपनी में भी और लगेगा, होल्डिंग में भी और लगेगी, ये बोल रहे हैं। देख लो, दोनों में भी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, इज इट ओके? आगे ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ एम डेलो एसोसिएट कंपनी, 50 लाख की कार, इस देश ने 30 लाख की कार दे दी, तो ये बोल रहा है ऐसा लोग कर सकते, तो इसलिए डायरेक्टर को देंगे ना, डायरेक्टर क्या अप्रूव करेंगे, मेरी कार 30 लाख की नहीं, हालांकि 30 लाख की थी, वो बोलेंगे नहीं मेरी भी 50 की थी, तो लोग कंपनी को फंसाएंगे ना। अरे वो ये नहीं मानेगा 30 लाख की है, वो तो बाजार का प्राइस 30 लाख है, वो बोल रहा है नहीं नहीं 50 के लिए, मैं तुमको 50 की दे रहा हूँ, तो उसकी नज़र में 50 होने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए बताओ जनरल मीटिंग में लोग हाँ कब बोलेंगे? जनरल मीटिंग में सब बोलेंगे, देखो साहब ये अपने नई ब्रांड न्यू BMW ले रहा, उसके बदले में ये कार आ रही, उसकी बाजार की प्राइस इतनी है, इसकी बाजार की प्राइस इतनी है, बोलो आगे क्या होगा? अब आपको लगता है शेयर होल्डर पागल है, अगर उनको मिसमैच ऑफ वैल्यू लगे तो हाँ ही नहीं बोलेंगे, और कैसे पास होंगे, बेवकूफ़ है। पर हो सकता है कभी भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, नहीं समझ रहे? BMW दी और जो आ रही उधर से मर्सिडीज है, उसकी वैल्यू भी उतनी है, और उनको शेयर होल्डर को लगता नहीं बराबर बोल रहे कि भाई इसकी वैल्यू भी 50 है, वो भी आ रही 50 है, क्या दिक्कत है, चलो ठीक है ओआर पास। तो ऐसा नहीं कि ओआर पास नहीं होता, कभी भी हो सकता है डायरेक्टर के मन में कोई गलत नहीं है, वो बोले देखो भाई मुझे कार की जरूरत है, तो कंपनी को फ्लैट की जरूरत है, तो कंपनी की कार दे दो, ये मुरारा फ्लैट है मेरा ले लो, क्या होगा उस केस में? ये काम हो नहीं सकता जब तक ओआर पास नहीं होगा, और ओआर कब पास होगा? वही ओआर में क्या करते मांग, क्या एक चैप्टर अपना रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के, इस पूरे कंपनीज एक्ट का सबसे आखिरी वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वो वैल्यूअर क्या करता है? अब बोलेंगे ये वैल्यू नहीं, क्या बोलेंगे देखो मेरे जो 1 BHK के फ्लैट की जो प्राइस है ना, वो मेरे हिसाब से 50 लाख, तेरा हिसाब क्या भाड़ में तेल लगा दे। रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ये, गवर्नमेंट का बंदा है, वो बोलेंगे इसकी वैल्यू 50, तो जनरल मीटिंग में लोग बोलेंगे 50, वो बोलेंगे 30, तो हम बोलेंगे 30, तो तेरे रिलेटिव्स को पूछेगा कितने वाले, तो तेरे साइड से बोलेंगे। वैल्यूएशन कौन बोले? थर्ड पार्टी बोलना चाहिए ना, अरे यार बोलो ना, तो हर आदमी अपनी प्राइस नहीं तो इन्फ्लेट करके लाएगा, तो इसलिए प्राइस कौन बोलेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलेगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? कम ऑन, अब बताओ क्या होगा इसमें? ऐसे इसमें कहाँ पास करना पड़ेगा? मैंने दो बातें, मैंने अगर मेरे डायरेक्टर को दिया और उससे माल लिया तो आ रहा, मैंने होल्डिंग को दिया ना तो दोनों में आ रहा, और मैंने मेरे एसोसिएट को दिया ना फिर भी सेम मुझ में आ रहा। होल्डिंग के केस में ही दो आर होंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट सब्सिडरी, एक ही एक्सेप्शन है, मतलब चार लोगों को मैंने दिया, कौन से कौन से लोग? होल्डिंग के डायरेक्टर को कार दिया, अपने डायरेक्टर को दिया, एसोसिएट को दिया, सब्सिडरी को दिया, सब डायरेक्टर में से एक ही डायरेक्टर रहते हैं, होल्डिंग के डायरेक्टर को दिया, अरे बोलो ना यार, दोनों में और, इज इट ओके? पक्का 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 श्योर है? इधर देखो, इसने कंपनी को टायर बेचे, इसने कंपनी क्या बेचे? इसने कंपनी को टायर बेचे और कार दी, तो कंपनी ने आपके पास सेल नहीं किया है, बाई किया है, नहीं क्या क्या? पहले केस में कंपनी से कार बेच रही थी, अब कंपनी कार नहीं बेच रही, कंपनी से ले रही है, तो कंपनी चाहे बाई करे चाहे सेल करे, अगर कंपनी बेच रही है तो बेचने के बदले में पैसे लेंगी, और खरीद रही है तो पैसे देंगी। अरे तुमको दो चीज़ें समझ गए, तुम डायरेक्टर हो तो तुमसे मैं क्या करूँगा, एक तो खरीदूंगा या तुमको मैं बेचूंगा, तो दोनों भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, तो बदले में पैसे देना है। चलो ये तुम्हारी चीज़ है, ये इनसे मैंने कैलसी लिया, तुम डायरेक्टर हो तुमसे मैंने कैलसी लिया, तो मैंने क्या देना चाहिए? अरे क्या देना चाहिए? रोकड़ा। दूसरी बात, मैं तुमको ये बेच रहा हूँ तो बदले में रोकड़ा लूंगा, इसके लिए ओआर नहीं लगेगा।
पर जब चीज ये आपको मैं दे रहा हूं, आपने मुझे ये दिया, समझो आपने मुझे मोबाइल दिया और मैं आपको क्या चीज दे रहा हूं, वार मैंने आपको मोबाइल दिया, आप बदले मुझे क्या चीज दे रहे हो, वार लगे, समझ में आ रहा है क्या? अब BMW ने इसको अल्ट्राटेक सीमेंट दिया गुड्स, अब क्या हुआ प्रॉब्लम, अब क्या होता है? अच्छा एक बार और बताने दो थोड़ा सा, मान लो ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया था, ये कंपनी ने कार दी उसने कार दी, और ये ट्रांजैक्शन के लिए ओआर पास नहीं हो तो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, वॉइड साबित हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर, वॉइड होगा इसका मतलब क्या होगा, समझो कंपनी ने उसको BMW बेची थी और उसने बदले में कैल्सी दिया, तब क्या होगा, वैलिड इनवैलिड हो जाएगा वो, बिकॉज उन्होंने ओआर पास नहीं किया, तब क्या होगा, तो ये कैल्सी आपको दे दूंगा, आप मेरी BMW वापस देना, ये नियम है। पर अब क्या हुआ, इन्होंने दे दिया था उसको अल्ट्राटेक सीमेंट, और इस आदमी ने उसकी बिल्डिंग भी बना दी। अब आपने क्या बोला, ओआर नहीं पास किया तो वापस ले गया जाना, अब सला सीमेंट रहा ही नहीं, सीमेंट तो बिल्डिंग बन गई, अब बिल्डिंग लेके आ जाएंगे, नहीं ऐसे समय पे उसकी चीजों को ऐसा करेंगे। क्या कर रही है उसके साथ ही? अब देखो, एक तो सीमेंट वापस दे दे और सिमो बोले सीमेंट तुम्हारे यूज हो गए, उसके बदले में उसका पैसा ला के देते, इज इट ओके? पर एक बात सुन लेना इधर, ये गजनी है, गजनी यानी कि ही इज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस लॉ। अब ये डायरेक्टर है, ये इसको 50 लाख की कार दी और इसके बदले में उसने ये 50 लाख की कार दे दी, इसके लिए ओआर उसने पास नहीं किया, फिर भी ट्रांजैक्शन वैलिड होगा अगर आमिर खान ने अप्रूव कर दे, ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू चेक कर लो मार्केट में सही है। और दूसरी बात, मुझे इस लॉ के बारे में सेक्शन 192 के बारे में पता ही नहीं था, ट्रांजैक्शन करने से पहले मैं जेन्यून था और उसका इंटेंशन नहीं होगा, पर प्रोवाइडेड वैल्यू सेम होना चाहिए, तो ओआर नहीं भी करेंगे तो भी इनवैलिड ट्रांजैक्शन नहीं, पर उसको प्रूव करना पड़ेगा आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर, ये लॉ है ऐसा मुझे मालूम ही नहीं था, पर इसका मतलब नहीं कि वैल्यू मिसमैच चाहिए, वैल्यू भी सेम चाहिए, इज इट ओवर? समझा क्या मैं क्या बोल रहा था? सारा सेक्शन खत्म हुआ, वापस से बोल गया था ना, उसको CS को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 204 में 205 में चुना लगाएंगे, पर अब ये ट्रांजेक्शन उसका क्या करूँ, वो तो उसको बजाएंगे, वो तो उसका ड्यूटी था, उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, इस समय तो ट्रांजेक्शन इनवैलिड है। एक बार सेक्शन को पूरा रिवाइज कर लो, बताओ क्या क्या हुआ, अगर ये कंपनी बोलो किसको से देंगी, अपने डायरेक्टर को, होल्डिंग के डायरेक्टर को, सब्सिडी डायरेक्टर को, किसको भी बेचेंगी, बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचेंगी कैश ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचकर कैश ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैंने आपसे खरीदा और आपको कैश दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक्शन का मैटर है नहीं, ये सेक्शन काम चलता बार्टर, बार्टर लिखा ही है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, हेडिंग में लिखा नॉन कैश, मतलब क्या बार्टर ही हो गया ना, उल्टा बार्टर ही हो गया, तो मैंने आपको दिया माल होल्डिंग के डायरेक्टर को, डायरेक्टर को, एसोसिएट के डायरेक्टर को, आगे लो सब्सिडी, सब केस में मेरी कंपनी को क्या क्या पास करना पड़ेगा, ओआर। और एक चीज़ है, अगर वो होल्डिंग के डायरेक्टर को दिया तो उस केस में उसको भी पास करना पड़ेगा, ये नियम है। आगे और बताओ क्या, अगर मान लीजिए विदाउट ओआर पास कर ये काम हो गया तो ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से इनवैलिडेट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन अंडू हो जाएगा, अंडू समझते हैं, जैसे हुआ ही नहीं, मान लो आपने, मैंने आपको BMW दी, आपने मुझे कैल्सी दिया और ओआर पास नहीं, अब क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा ये मेरी कंपनी का कैल्सी तुम्हारा वापस, भाई मेरी कंपनी लोग चिल्ला रही तुम मेरी BMW वापस। अब समझो मैंने सीमेंट बेचा था, अरे कुछ बोलो ना, और वो रिकवरी के हालात में नहीं, मतलब वो पैसा वापस आ ही नहीं सकता, वो सीमेंट कैसे आएंगे, वो तो लग गया ना, वो जमीन हो गई उसकी, उसको तो वो बिल्डिंग बन गया, उस केस में आपको उसके बदले में डैमेज देना पड़ेगा जितना मेरा डैमेज हुआ है, अरे बोलो यार। और तीसरी बात, अगर आमिर खान जैसे होले आदमी अगर बता दे, साहब मेरे एक तो पहले बुद्धिमत्ता चलती नहीं है, मुझे ये सब पता ही नहीं क्या है लॉ, पर मेरी कसम मैंने आपकी कंपनी से जितनी, मतलब कंपनी ने उसको 50 लाख की कार दी थी और बदले में उसने 50 दी थी, ओआर पास करना चाहिए था, पर पास किया क्या उसने,
तो फिर क्या होगा? फिर भी वैलिड माना जाएगा अगर वो ये प्रूव कर दे आई वाज अनअवेयर, और दूसरी बात मार्केट वैल्यू चाहिए, इज दैट ओके? डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर होगा तो ही ये सेक्शन पहली लाइन पढ़ रहा हूं बस, सब फर्स्ट देखो, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पहला वर्ड ही डायरेक्टर है, ऑफ अ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, मतलब क्या, डायरेक्टर की बीवी, डायरेक्टर के बच्चे, उनको भी दिया तो, इज टू एक्वायर असेट्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश, समझा? और द कंपनी एक्वायर्स, दोनों भी साइड से लिखा है, एक तो उसने एक्वायर किया, तो कंपनी ने एक्वायर किया, एक तो कंपनी ने बाय किया होगा या सेल किया होगा, कुछ भी किया होगा, उसके लिए क्या लगेगा? जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। और होल्डिंग के केस में तो दोनों भी अप्रूवल लगेगा, लिखा था होल्डिंग को अलग से लिखा है। उसके बाद में लिखा है वैल्यू ऑफ द असेट्स, अंडरलाइन द वर्ड रजिस्टर्ड वैल्यू, आपको मैंने इस कारण जानकारी दे दी है, और जनरल मीटिंग में जब डिस्कशन होगा तो रजिस्टर्ड वैल्यू का नाम आएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन तो क्या होगा? रेस्टिट्यूशन, मतलब क्या, वो जो कैलसी दिया था क्या देता है वो अंडू कर दो, अंडू मतलब क्या, जैसे थे, जैसे कि ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। क्या लिखा है, ये शाल बी वॉइडेबल, ये बहुत बड़ा खुलासा इस समय, मतलब जनरल मीटिंग में वाले लगता है जानते ऐसी भी खराब चीज थी वैसी अच्छा हुआ चले गए, वॉइड है ऐसा नहीं है, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द व्हाट कंपनी, मतलब ये शेयर होल्डर के ऊपर है। पर अगर मान लो ये सच में इनका बोल शेयर होल्डर को बोलना ये ट्रांजेक्शन हमें होने नहीं देना, तो क्या हो जाएगा, अपनी चीज जो गई थी वो वापस आ जाएगी और अपने पास जो आई थी उसको वापस दे, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। और क्या लिखा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी मनी, और अगर उसका नो लॉन्गर पॉसिबल, अगर वो सीमेंट जैसा वो यूज हो गया होगा ऑलरेडी, मतलब जो चीजें वापस आने के हालात में नहीं है, तो क्या होगा उस केस में, इंडेमनी पेमेंट, मतलब हमारे जो लोग सारे वो भर के देंगे। और दूसरी बात, एनी राइट्स आर एक्वायर्ड बोनाफाइड, अमेरिकन बोनाफाइड है फॉर द वैल्यू और विदाउट नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, उसको लगा कि मुझे ऐसा कुछ लॉ पता ही नहीं चला, उस केस में क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा उस केस में, कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। अब हमारे सेक्शन कौन से बचे, 193, 188, 185, तो 185, 188 एंड कौन सा 190, 1 क्या, अरे 1 भी बाकी है, ठीक है 3 बाकी, क्या बाकी रहेगा, ओके आई विल सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।